हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेम डीटीएस का केम डीटीएस पेपर नंबर 2। ओके, आउट ऑफ 9 क्वेश्चन पेपर्स। तो हम लोग आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, बिना समय खराब किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the graphs shown below does not represent the relationship between incident light and photoelectron ejected from the metal surface? ठीक है? निम्न में से कौन सा ग्राफ धातु सतह से उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन तथा आपतित करण के लिए गलत है? ठीक है, अब आपको जो ग्राफ दे रखे हैं वो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में दे रखे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई रिलेशन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है बेटा, एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, तो अगर अपन लोग बात करेंगे मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है जिसको दहली ऊर्जा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वहां पर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, इंटेंसिटी समझ रहे हो? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट पर यूनिट सरफेस एरिया जो भी उस मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्राइटनेस से मतलब है, तो वहां पे लाइट की ब्राइटनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अपन लोगों को बताना है गलत ग्राफ कौन सा है। ठीक है ना, विच ऑफ द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो पहला ग्राफ तो करेक्ट हो गया, दूसरा ग्राफ हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए आप जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब अपीयर होती है, जब फ्रीक्वेंसी जो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होती है। ओके, तो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले तो जीरो रहेंगे, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगी तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, लेकिन जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के चेंज करने से चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स जो भी इजेक्टिंग आउट फ्रॉम द मेटलिक सरफेस है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, मतलब अगर 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो 100 ही निकलने वाले हैं। आप लाइट को रेड से ब्लू कर दो तो उससे अगर इंटेंसिटी सेम है बेटा, ठीक है, ब्राइटनेस सेम है, ओके, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ भी करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी अपन लोगों ने देखा कि एनर्जी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? ऑब्वियस है, यहां पे जो है काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ लाइट के हिसाब से देखें हम लोग तो ये कहीं इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से तो पास नहीं होगी। ओके, इसकी वैल्यू क्या है एनर्जी की? W के बराबर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अपन लोग मतलब देखें तो यहाँ पे थर्ड ग्राफ भी करेक्ट है। फोर्थ ग्राफ अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ऑब्वियस है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ लाइट यहाँ पे एक ही बात को शो कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो अभी क्या होगा इस पे, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा तो मतलब ये ग्राफ इनकरेक्ट हुआ, तो आंसर अपना यही होगा। सो आंसर इसका जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, फोर्थ नंबर का आंसर होगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6. हमें पता है कि भाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है। The energy of second excited state, ठीक है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, किसकी? लिथियम आयन की। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब है n is equal to 3, मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट के बारे में बात हो रही है अपन से। ठीक है, तो थर्ड एनर्जी स्टेट के लिए हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का अपन लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, E is equal to what, हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है
ठीक है, उसकी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी, किसके लिए, लिथियम 2 प्लस आयन के लिए, ठीक है, और किस ऑर्बिट में बेटा, थर्ड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, माइनस 13.6। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे n का स्क्वायर कर दिया, तो मतलब हमारे पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर आने वाला है, क्लियर। सो आंसर विल बी 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है यहाँ पे, अगर अपन लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, या तो जो है आपके डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर से, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलो, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजनिक एटम इज 3 पाई a0, a0 क्या है यहाँ पे, बोर रेडियस, ठीक है। तो हिंदी में भी जरा देख लेते हैं, किसी हाइड्रोजनीय परमाणु, मतलब हाइड्रोजन जैसा कोई परमाणु है जिसमें nth कक्षक में, nth कक्षक में क्या है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है 3 पाई a0, ओके, a0 बोर त्रिज्या है, तो n बाई z की वैल्यू बताओ। देखो बेटा यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv, ठीक है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे h अपॉन mvr, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो mvr क्या होता है भाई, नील बोर के फॉर्मूले से अपन को पता है बेटा nh अपॉन 2 पाई होता है, तो 2 पाई ऊपर पहुंच गया। अच्छा, r की वैल्यू हम लोग a0 के टर्म्स में क्या लिखते हैं बेटा, a0 into what, n square by z, ठीक है। अब यहां से देखो nn कैंसिल आउट हो गया और यहां से क्या आ रहा है, hh भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया बेटा 2 पाई a0 into n by z, ये बचा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन लोग, अपन लोगों को बोला जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ n बाई z आपको 3 पाई a नॉट दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 पाई a नॉट, तो लैम्डा की वैल्यू अपन लोग लिख रहे हैं 3 पाई a नॉट इज इक्वल टू 2 पाई a नॉट इनटू n बाई z, ठीक है। तो 2 पाई 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 कैंसिल आउट हो गया, a नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो n बाई z बचा आपका 3/2, ठीक है ना। तो 3/2 अगर अपन के पास ये ऑप्शन में आया तो आंसर क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और इस फॉर्मूले को जो हम मॉडिफाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो अपन लोग क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, मास ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहां पे, लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी, बाकी तो सभी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो अपन लोग लिखेंगे यहां पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी भाई, h nu माइनस h nu माइनस nu नॉट के बराबर होगी, ठीक है ना। अगर h nu माइनस nu नॉट है यहां पे, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, nu माइनस nu नॉट की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बेटा आपका आंसर होगा, क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा पावर कट हो गया था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 5 एंड m इज ms इज इक्वल टू
प्लस हाफ, ठीक है बेटा। तो कोई भी क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू 5 है, उसमें ms स्पिन क्वांटम संख्या आपको प्लस हाफ दे रखी है, तो उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात करें कि nth ऑर्बिट जो होता है, nth कक्षा जो होती है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n2, ठीक है। मतलब यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा, 5 का स्क्वायर मतलब 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पे, 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम रहेंगे, उसमें से 25 इलेक्ट्रॉन जो है जिनका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा, ठीक है। स्पिन अप वाले और स्पिन डाउन वाले कितने होंगे, वो भी क्या होंगे, 25 होंगे। तो अपन लोगों का आंसर क्या होगा बेटा, 3rd। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ग्राफ इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द 2s ऑर्बिटल, क्लियर। तो 2s ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को बताना है कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो 2s ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग अगर अपन लोग देखें तो रेडियल नोड कितने आएंगे, रेडियल नोड आएंगे n-l-1, ये फॉर्मूला होता है बेटा 2-0-1, मतलब एक रेडियल नोड बनना चाहिए, है ना। तो अगर ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पे 2 रेडियल नोड बन रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, s ऑर्बिटल के लिए जो साई और साई स्क्वायर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। तो यहाँ पे नोड तो एक ही है, लेकिन ये कोई p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये s ऑर्बिटल का ग्राफ नहीं है। यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नोड आ रहा है अपन का, साई स्क्वायर का कर्व जो आ रहा है, तो यहाँ पे एक रेडियल नोड बन रहा है, तो मतलब यही 2s के करस्पॉन्डिंग आंसर होगा, तो अपना आंसर आएगा 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आप कह रहे हैं अपन लोगों से फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई सीरीज है आपको स्पेक्ट्रल लाइंस का, हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी भी स्पेक्ट्रम श्रेणी के लिए अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियों का अंतर, ठीक है। तो अगर अपन लोगों को रेशियो निकालना है बेटा, लैम्डा डेल्टा न्यू लाइमन और डेल्टा न्यू बामर के लिए, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पे जरा हम देखते हैं। यहां पे न्यू बार लाइमन के लिए क्या होगा बेटा, आप लिखोगे न्यू ऑफ लाइमन का मैक्सिमम और न्यू ऑफ लाइमन मिनिमम, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बेटा इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, आर जेड स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। अपन लोग लिखेंगे लाइमन सीरीज के लिए 1/1² - 1/मैक्सिमम एनर्जी के लिए या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इंफिनिटी आएगा माइनस, और मिनिमम के लिए आर जेड स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा 1/1² और जो है मिनिमम यहाँ पे आएगा कब लाइमन सीरीज के लिए, जब n 2 कितना हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन लोग देखेंगे बेटा यहाँ से आएगा आपका r/4, ठीक है। z अगर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, तो r/4 आएगा, z तो 1 हो गया, तो ये तो आ गया लाइमन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अपन लोगों को पता करना है क्या, न्यू बार बाल्मर के लिए, तो बाल्मर के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे ये सब चीज सेम रहेगी, बाल्मर सीरीज के लिए आर जेड 1 हो गया, बाल्मर सीरीज के लिए 1/2² मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना, एनर्जी स्टेट 0, मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। और बाल्मर सीरीज के लिए ये तो 2² ही रहेगा बेटा, 1/3² ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन लोग देखें यहाँ से, तो अपन लोगों के पास क्या आया r/9, ठीक है, ये न्यू बार फॉर बामर सीरीज आ गया, ठीक है। अब न्यू बार जो है आपका लाइमन और न्यू बार फॉर बाल्मर, इन दोनों का रेशियो जो है, ठीक है, वो क्या आएगा r/4 और r/9। सो अपन लोग क्या ना आंसर ऑब्जर्व करेंगे बेटा, यहाँ पे r कैंसिल आउट हो गया, 9/4, तो 9/4 किसका ऑप्शन आ रहा है, देखो 9/4 अपन लोगों को 3rd ऑप्शन में मिल रहा है, क्लियर। सो आंसर 3 होगा इसका, समझ में आ गया।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किस संबंध द्वारा सही प्रदर्शित किया जाता है? तो अपन लोगों को पता होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगी हाइजेनबर्ग के हिसाब से वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया एट्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नाइन्थ क्वेश्चन। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में है बेटा, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा को देखें तो 13.6 पॉजिटिव रहेगा इन टू वॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड तो 1 है, आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी जा रही है 1.51, तो 1.51 इज इक्वल टू 13.6 इनटू व्हाट 1 अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर जब आप देखोगे तो 13.6 अपॉन 1.51 इसकी वैल्यू आएगी 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, और n की वैल्यू 3 आएगी तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओके तो अपन लोगों को पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो n की वैल्यू जब 3 आ गई तो अपना आंसर होगा 3h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो 3h अपॉन 2 पाई इज द आंसर। सो आंसर नंबर 2 आएगा 9th के केस में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2 एनी वैलिड वैल्यू, l इज इक्वल टू एनी वैलिड वैल्यू, ये बात ध्यान देने वाली है, और ml इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू कोई भी उचित मान, ठीक है, और ml इज इक्वल टू +1 तथा स्पिन क्वांटम नंबर आपको +1/2 दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम देखें कि आपने स्पिन को फिक्स कर दिया और ml को फिक्स कर दिया, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 की जब बात होगी अगेन पावर कट हो गया भाई। तो देखो बेटा यहां पे n इज इक्वल टू 4 जब होगा तो l की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन लोग, 0, l की वैल्यू 1 ले सकते हैं, l की वैल्यू 2 ले सकते हैं और l की वैल्यू 3 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ml की वैल्यू अपन को चूज कितनी करनी है, ml की वैल्यू अपन लोगों को चूज करनी है +1। तो ml की वैल्यू +1, जब ml की वैल्यू अपन को +1 चूज करनी है मतलब हम किसी एक ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं ml = +1, तो यहां पे ये तो l = 0, s सबसेल तो हम चूज कर ही नहीं सकते बेटा, p सबसेल में क्या होगा, ओके आपका ml जो है या तो px py कुछ लोगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है d सबसेल है, तो d सबसेल में क्या है एक ऑर्बिटल रहेगा dxy या dyz कुछ, ठीक है, और l की वैल्यू 3 के लिए आप f सबसेल लोगे, ठीक है, तो f सबसेल का भी कोई एक ऑर्बिटल ले सकते हो, ठीक है, xyz टाइप से, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक ऑर्बिटल के लिए ही बात हो रही है, ठीक है, और किसी एक ऑर्बिटल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है जब स्पिन क्वांटम नंबर आपने फिक्स कर रखा हो, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है, ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन एक ही स्पिन, अपन लोगों को स्पिन अप के साथ px में भी एक आएगा, इसमें भी dxy में भी एक आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा बेटा 3। सो आंसर इसका कितना होगा, आंसर होगा इस 10वें क्वेश्चन का 4। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स वायलेटिंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो कौन सा पॉली के नियम का उल्लंघन करता है, पॉली का नियम क्या बोलता है बेटा कि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते या चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम के अंदर। तो यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा ये ऑर्बिटल ओके आपबाउ भी फॉलो हो रहा है, हंस भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, और पॉलीज भी फॉलो हो रहा है, इसमें क्या है भाई आपबाउ प्रिंसिपल, यहाँ इसको भरे बिना आपने जो है इसको भरना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आपबाउ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। थर्ड वाला केस देखो बेटा, थर्ड वाले केस में अपन लोग देखें तो यहाँ पे हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का वायलेशन हुआ है, आपने पूरे सबसेल को भरे बिना ही आपने पेयरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना, तो चौथे वाले ऑप्शन में अगर हम देखें
तो इस ऑर्बिटल को देखो, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है, ठीक है, स्पिन डाउन नहीं है एक भी। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो मतलब आंसर अपना फोर्थ ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इलेवेंथ का आंसर आपको मिल गया फोर। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग स्पीड वी नॉट, ठीक है भाई, स्पीड वी नॉट है फर्स्ट ऑर्बिटल में, ठीक है, हैविंग स्पीड वी नॉट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड मूविंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला अपन लोगों को ध्यान हो, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या निकाला था अपन ने बेटा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नील बोर एटॉमिक मॉडल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, द जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो अपन लोगों को निकालना है किसके लिए, अपन लोगों को निकालना है हीलियम आयन के सेकंड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो ये आपका कितना है बेटा, वी नॉट, और हीलियम के लिए सेकंड ऑर्बिट जेड कितना है, टू, हीलियम का, हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर टू, और ऑर्बिट नंबर आपको टू बोला जा रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये वी नॉट ही आएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा हीलियम आयन के सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में, ओके, तो वो क्या होगा, वी नॉट स्पीड से ही मूव करेगा, मतलब जितनी स्पीड से हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 देखो, एन ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल नोड एंड जीरो एंगुलर नोड्स, ठीक है, ऑर्बिटल शुड बी, तो किसी ऑर्बिटल में दो त्रिज्यीय नोड है और शून्य कोणीय नोड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, ऑब्वियस है, अगर एंगुलर नोड अपन लोग बोले तो एंगुलर नोड से हमें पहचान मिल सकती है कि एंगुलर नोड जीरो होने का मतलब क्या है, एंगुलर नोड होते हैं बेटा एल, एल की वैल्यू जीरो, जीरो के मतलब एस सबसेल या एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो एस ऑर्बिटल के अपने पास 4s और 3s दो आंसर है। अब रेडियल नोड कितना है, रेडियल नोड अगर हम देखें तो रेडियल नोड का फॉर्मूला हम n माइनस एल माइनस वन जानते हैं, ठीक है, तो n माइनस एल माइनस वन मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे l की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दो रेडियल नोड, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा 3s। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following is not a correct set of quantum number for an electron? ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए correct set of quantum number नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं, n is equal to 3, l is equal to 2, ml is equal to minus 1 और s is equal to plus half, ठीक है, ये valid value है बेटा, n की value 3 के लिए l की value 2 valid है, और l की value 2 के लिए ml minus 1 valid है, ये पूरा valid है, ठीक है, n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, l की वैल्यू 2 के लिए ml की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, सो आंसर आपका यही होगा, ठीक है, क्लियर। l की वैल्यू 2 के लिए ml कितना जा सकता है बेटा, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है ना, ओके, 3 तो नहीं दे सकता ना, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ओके, बाकी के लिए भी आप चेक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई आंसर अपना 2 ही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बोला जा रहा है Which of the following is not isoelectronic pair? तो isoelectronic pair इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, पहला चेक करते हैं बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एनओ में? एनओ में इलेक्ट्रॉन हो गए 7 + 8 = 15, ठीक है, और साइनाइड Cn- = 6 + 7 + 1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो वो कह रहे हैं कि कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है, तो कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है बेटा, ये फर्स्ट आंसर ही मिल रहा है, बाकी आप देखोगे इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, यहाँ पे भी आप 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बाकी स्पीसीज में आप चेक ही कर लोगे। बढ़ते हैं आगे, समय जाया नहीं करेंगे ज्यादा, ओके, अब देखो 16वां क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, ठीक है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर लिथियम 2+ आयन, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए बात हो रही है बेटा, तो बामर सीरीज का जो वेवलेंथ है ना 1/λ, वेवलेंथ की बात हो रही है ना, वेव नंबर सॉरी है ना, वेव नंबर की बात हो रही है, तो वेव नंबर होगा न्यू बार, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, आर जेड स्क्वायर 1/ बामर सीरीज के लिए 2 स्क्वायर बेटा, ठीक है, और यहां पे
फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज जो होगी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है अपन लोगों को फर्स्ट लाइन ही बामर सीरीज की लिथियम 2 प्लस के लिए पूछी गई है, मतलब यहाँ पे अपन लोग हाइड्रोजन एटम के लिए जब देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो होगा आर जेड स्क्वायर 1/2² माइनस 1/3², ठीक है। और लिथियम 2 प्लस के लिए एग्जैक्टली यही सीरीज अपन को पता करनी है, तो लिथियम का जेड अलग होगा बेटा, ठीक है, 1/2² माइनस 1/3², ठीक है। यहाँ पे जेड कितना है 1 और यहाँ पे जेड कितना है 3, तो 3² ओके। तो अपन लोग लिखेंगे इसको लिथियम 2 प्लस का जो वेव नंबर होगा इसका रेशियो निकाल दो हाइड्रोजन के वेव नंबर से, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन में क्या कोई 9 है क्या, ओके अच्छा आपको डेटा दे रखा है, तो डेटा दे रखा है तो आप इसमें क्या है लिथियम का वेव नंबर जब निकालोगे तो 15200, तो ये हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग दे रखा है, इनटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ओके 1,36,800, ठीक है ना। तो ये देख लो बेटा आपका चौथा ऑप्शन आ रहा है ना, ओके। तो ये आपका 16 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। What will be the ratio of distance between second and third orbit of helium 2 plus and, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे radius of N2 and radius of N1 का जो difference होगा बेटा वो क्या होगा, अपन लोगों को ये तो पता ही है कि Bohr radius के terms में A0, ठीक है, और Z होता है नीचे A0 n² / z होता है, तो n² माइनस n1², ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा बेटा, है ना। अब देखो इसमें एक तो आपको दे रखा है हीलियम आयन के लिए और दूसरा किसके लिए दे रखा है लिथियम 2 प्लस के लिए, तो हीलियम आयन के लिए जो है आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की, तो थर्ड माइनस सेकंड ये तो दोनों का कॉमन है बेटा, तो n2 n1 तो सेम ही हो गया, तो मतलब इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, डेल्टा r फॉर सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है, अपॉन डेल्टा आर फॉर लिथियम 2 प्लस, ठीक है। ये चीज तो दोनों की सेम है, वो तो बदल नहीं रही है सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से हमें नहीं करना है। यहाँ पे ए नॉट अपॉन हीलियम का एटमिक नंबर हो गया 2 और यहाँ पे क्या है आपका लिथियम 2 प्लस का एटमिक नंबर हो गया कितना 3, ओके। तो यहाँ से ए नॉट कैंसिल आउट हो गया बेटा, ए आ रहा है आपका 3/2, है ना। पूछा क्या जा रहा है अपन लोगों को, रेशियो ही पूछा गया है भाई, दूरी का अनुपात ही पूछा गया है, तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये आ रहा है 1.5, ठीक है 1.5, सो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है 2, ठीक है, तो 17 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे 18 नंबर की प्रॉब्लम की तरफ, है ना। तो 18 नंबर की प्रॉब्लम क्या है, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, ठीक है भाई, जूल पर एटम, व्हाट विल बी द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, ओके। ये थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्चुअल ट्विस्ट है इसमें, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन, ठीक है। एक्चुअली देखो बेटा अपन लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी हाइड्रोजनिक स्पीसी, मतलब हाइड्रोजन जैसी स्पीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, जेड स्क्वायर, ठीक है, यही लिखेंगे। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन एक एटम की जो स्पीसी है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है भाई, नील बोर के ये सारे फॉर्मूले किस पे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन अपन लोगों को निकालना है, तो हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस बनाना है, ठीक है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी यही आपकी क्या कहलाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 2, समझ आ गई बात, ठीक है। अब यहां देखो, बढ़ते आगे, तो अपन लोगों को क्या कर रहा है यहाँ पे कि हीलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो हम लोग नील बोर के फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ही निकल के आएगी ये, तो हीलियम आयन की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बेटा,
हीलियम के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या हीलियम आयन की आयनाइजेशन एनर्जी जो आएगी वो 13.6 ओके सॉरी आपको जूल पर एटम में दे रखा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है आपको 2.18 इंटू 10^-18 ठीक है। और Z की वैल्यू कितनी है, हीलियम आयन का जो Z है उसकी वैल्यू है आपका 2 square, मतलब आप इसमें से 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 8.72 मल्टीप्लाई बाई 10^-18। तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं, बड़ा ऑप्शन कौन कौन से अपने पास, ठीक है 10.75 12 ओके ये मिल गया अपन को थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सो आंसर 18 का कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फॉर एन इक्विलिब्रियम कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गिव्स 2 CO गैस व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज क्यों होगी, देखो अगर अपन लोग प्रेशर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे प्रेशर इंक्रीज हो सके बेटा, ठीक है। मतलब ज्यादा गैसेस कंपोनेंट फॉर्म हो सके, तो ज्यादा गैसेस कंपोनेंट फॉर्म किस तरफ होंगे, ठीक है ट्वाइस CO की तरफ। तो मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी अगर हम लोग प्रेशर घटाएंगे, ठीक है। अच्छा जी बढ़ते हैं आगे 20 नंबर की प्रॉब्लम की तरफ। ओके यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भाई कोई साम्य दिया गया है, दिए गए साम्य में ये सब कहानी लिखी गई है। 573 केल्विन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज 0.9, ठीक है। इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड, अगर अपन लोगों ने निकाय का ताप समान रखते हुए दाब को घटा दिया, ठीक है आधा कर दिया और 2 मोल अमोनिया के डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के इंट्रोड्यूस करें और साथ में अपन लोगों ने प्रेशर को भी आधा कर दिया लेकिन ताप समान है बेटा, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये प्रॉब्लम कितनी लेंथी लिखी गई है, ओके ये सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए है। ओके बेटा आप लोगों ने क्या सीखा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान या वैल्यू तब तक नहीं बदलता है जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक कुछ भी करते रहो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आंसर अभी भी 0.9 ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर आपका 4 आ गया। ओके चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 21 नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है टू सॉलिड्स एक्स एंड वाई डिकम्पोजेस थर्मली ऑन हीटिंग इन डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। दो सॉलिड हैं कोई एक्स और वाई, उनको अपन लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, इसके लिए KP1 है और दूसरे के लिए क्या है बेटा KP2 है, ठीक है। यदि दोनों पात्रों में साम्य है पर कुल दाब समान है, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है दोनों चैम्बर्स के अंदर वो क्या है, सेम है, मान के चलो वो पी है, ठीक है दोनों का। तो वो कह रहे हैं कि KP1 और KP2 का रेशियो बताओ, तो KP1 और KP2 का रेशियो क्या होगा। पहला आपको दे रखा है बेटा कितना, एक्स सॉलिड, समझ लो ध्यान से इसको, एक्स सॉलिड गिव्स व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों गैसियस हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो आपको दे रखा है वाई सॉलिड गिव्स 3D, वाई सॉलिड गिव्स 3D, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई KP1 और इसके लिए क्या है KP2, ठीक है समझना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बेटा, अगर टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, ठीक है, तो इसका प्रेशर किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ D की वजह से, ठीक है। अच्छा तो Y सॉलिड जो भी डिकम्पोज हुआ यहाँ पे प्रेशर अगर P है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर इसका D का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम देखें तो A, B, C तीनों इक्वल मोल्स बनेंगे इसके, तो पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग देखें तो सभी का क्या होगा बेटा P/3, क्योंकि अगर P प्रेशर है तीनों की वजह से तो ये P/3, ये P/3 और ये भी P/3, तो KP1 कितना आएगा, KP1 जो आएगा A, B, C तीनों का पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P/3 का होल क्यूब आ जाएगा बेटा, ठीक है। और KP2 अगर मैं देखूं यहां से तो KP2 क्या आएगा, देखो P का होल क्यूब क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर 3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो KP1 अपॉन KP2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपका P/3 का होल क्यूब, ओके, अपॉन P का क्यूब, तो P का क्यूब और 3 का क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, P का क्यूब तो आएगा 1/27। सो आंसर जो है आपका क्या आ रहा है, देखो आंसर 1/27 का ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 22 नंबर की तरफ, ठीक है। तो 22 नंबर की प्रॉब्लम देखो, फॉर इक्विलिब्रियम ए प्लस बी गिव्स व्हाट सी प्लस डी, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल
एट इक्विलिब्रियम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज हाफ. ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि साम्य पर ए और बी की जो सांद्रता है वो क्या बेटा समान है और बी की सांद्रता ए की सांद्रता की आधी है. ठीक है, तो साम्य स्थिरांक कैसे पता करना है अपन को. ओके, तो चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम को जल्दी से. आपको दिया जा रहा है ए प्लस बी गिव्स व्हाट सी प्लस डी. ओके, आपने मान के चलो इसके ए मोल ले लिए प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पे और इसमें से x गया और इसमें से भी x ही जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बना, ये x बना और ये भी x बना. ठीक है, अब वो करें a और b की जो सांद्रता है इक्विलिब्रियम पे सेम है, तो मतलब ये साम्य पे a माइनस x बराबर b माइनस x, तो a बराबर क्या हो गया बेटा b, इसका ये मतलब हुआ. तो मतलब हम लोगों ने इनिशियली भी a और b को सेम रख लिया होगा. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो d की सांद्रता है, ठीक है, तो d की सांद्रता जो है a की सांद्रता की आधी है. ठीक है, तो d की सांद्रता कितनी है x और a की सांद्रता इस समय कितनी है a माइनस x. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा x 2x, तो x की वैल्यू आ गई a बाई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई a बाई 3. ओके, अब देखो यहां पे अपन लोग बात करेंगे कि अपन को निकालना है kc, क्या निकालना है kc, तो kc इज इक्वल टू क्या है यूनिट वॉल्यूम मान लो या डेल्टा एनजी 0 है तो वॉल्यूम के एक्सप्रेशन तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पे क्या होगा देखो x into x upon a minus x, ठीक है, into b minus x, ये भी a minus x ही हो जाएगा. तो यहां से आ जाएगा बेटा a by 3 का a square by 9. ठीक है, अच्छा, और a minus x कितना होगा, a की वैल्यू आपकी माइनस a by 3 करोगे तो 2a by 3, तो मतलब यहां पे क्या आएगा 4 बाई 9 ए स्क्वायर आ जाएगा. तो 4 बाई 9 ए स्क्वायर. ठीक है, अच्छा जी, यही होगा ना. अच्छा, तो ये कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अपने पास जो है ऑप्शन क्या आ जाता है 9 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 आंसर आ रहा है केसी का. ठीक है, क्या ऑप्शन में कोई है 1/4, यस, तो 1/4 इज ऑप्शन नंबर 2. क्लियर, सो अपन लोगों का आंसर हो गया क्या सेकंड ऑप्शन. बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आपको, log kp upon kc minus 2 log rt is equal to 0. ठीक है, किस इक्विलिब्रियम के लिए होगा, तो अब देखो बेटा यहां पे kp upon kc is equal to क्या होता है rt to the power delta ng या delta n. ठीक है, अब log अगर लेंगे हम लोग तो log kp upon kc is equal to what delta n log of rt. ठीक है, सो यहां से क्या आ जाएगा log of kp by kc माइनस डेल्टा एन लॉग ऑफ आर टी. ठीक है, यही हो जाएगा. अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो डेल्टा एन आ जाएगा आपका 2. तो किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन 2 आएगा ये हमें चेक करना है, तो किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन 2 आएगा. ठीक है, तो यहां देखो इसके लिए 2NH3, यहां पे 4 मोल, यहां पे 2 मोल, तो ये आंसर हो गया 4-2. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर होगा. क्लियर, अच्छा, बाकी चेक करोगे तो डेल्टा एन 2 नहीं आएगा किसी के लिए भी. बढ़ते हैं आगे, 24 नंबर की प्रॉब्लम देखो. 24 में बोला जा रहा है आपको कि फॉर अ गिवन इक्विलिब्रियम 2a गिव्स 3b, है ना, द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम आपको दे रखा है बेटा. ठीक है, अच्छा, अब आपको करना क्या है इसमें, kc निकालना है. ठीक है ना, तो kc का वैल्यू क्या होगा, kc इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सप्रेशन जब निकालेंगे तो b की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 और a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2. ठीक है, तो यहां पे देखो b कितना है, b की कॉन्सेंट्रेशन बेटा 0.5 और a की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी 0.1. ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम यहां पे आया. कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे इक्विलिब्रियम आया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, यहां पे तो इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेंट्रेशन a और b की बराबर है, लेकिन दैट इज नॉट necessarily कि वो equilibrium point है. ठीक है ना, equilibrium कब होगा बेटा, जब a और b की concentration time के साथ क्या हो रही है, stagnant हो जाए, change नहीं हो रही है. तो यहाँ पे b की equilibrium concentration आ रही है 0.5 और a की आ रही है 0.5 का whole cube और 0.1 का whole square. ठीक है, यही होगा. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 5 × 5 × 5 × 10⁻³. ओके, अपॉन 10⁻², दैट इज व्हाट 125, मतलब 12.5. तो क्या कोई ऑप्शन 12.5 है, यस, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया. 25 पे आ जाओ. 25 में आपको बोला जा रहा है कि इसमें
किस टेम्परेचर पे KP अपॉन KC इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा, तो अपन लोग जानते हैं KP अपॉन KC इज इक्वल टू व्हाट, RT की पावर डेल्टा n। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो डेल्टा n तो 1 हो गया, ठीक है। अब अपन लोगों को ये KP इज अपॉन KC इज इक्वल टू 4 ना, R को क्या लिख सकते हैं बेटा, रफली 1/12, ठीक है, 0.0821 होती है इसकी वैल्यू, R की वैल्यू होती है 0.0821, ओके, जिसको रफली 1/12 लिख सकते हैं हम लोग चेक करने के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, करीब 48 केल्विन के आसपास आ रहा है, तो 48 के आसपास एक ही आंसर है अपने पास, ऑप्शन नंबर 2। सो आपका 25 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ओके, वो कह रहे हैं कि फॉलो रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 इन रिएक्शन वेसल, ठीक है ना, कोई रिएक्शन है आपको दे रखी है N2 और 3H2 2NH3 बता रहे हैं, ठीक है। अभिक्रिया पात्र में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के समान मोल मिलाया है हमने, ठीक है ना, तो समान मोल मिलाए हैं, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, तो इसका जो है सही ग्राफ अपन को बताना है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इक्वल मोल्स लिए हैं बेटा, तो इक्वल मोल्स जब हमने बिगिनिंग में लिए हैं तो ग्राफ जो है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यहाँ पे आपने, अच्छा अमोनिया तो था ही नहीं शुरुआत में, ठीक है, तो ये ग्राफ तो गलत हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इक्वल मोल्स नहीं है, तो ये दोनों ग्राफ तो सीधे सीधे हटा दो, ठीक है। अब बचता कौन सा है, हाइड्रोजन ऊपर रहेगा या नाइट्रोजन ऊपर रहेगा, ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब अपन को पता है कि नाइट्रोजन का अगर एक्स मोल खत्म होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 3x, मतलब हाइड्रोजन विल डिक्रीज 3 टाइम्स रैपिडली, मतलब 3 गुना ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन क्या होगा, उसकी सांद्रता घटेगी, मतलब हाइड्रोजन का ग्राफ अगर सेम कंसंट्रेशन से आपने स्टार्ट किया था तो हाइड्रोजन का ग्राफ नीचे आएगा, तो ऑब्वियस है आंसर क्या होगा अपना, 2, नाइट्रोजन ऊपर रहेगा, ओके, और हाइड्रोजन जो है नीचे रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के जो मोल है उसमें से एक्स ही जा रहा है, ओके, इक्वल मोल्स मान के चलो 1 और 1 लिए थे, और हाइड्रोजन के जो है 3x मोल खत्म हो जाएंगे उतने समय में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 26 के बाद 27 नंबर की प्रॉब्लम देखो, आपको बोला जा रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ Hi into H2 and I2 अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, तो अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे इतनी सब बड़ी कैलकुलेशन लिख रखी है, ठीक है। अब जैसे अपन लोग बात करें बेटा यहां पे कि आपने जो है इसको ट्वाइस ऑफ Hi गिव्स व्हाट, H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है, आप इसके लिए जो है A0 माइनस A0 अल्फा निकालोगे, ठीक है, या 1 मोल लो लो तो 1 में से अल्फा चला जाएगा, ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे, ठीक है, वैसा कर लेना, ओके, तो 1 और 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, क्लियर। अच्छा टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहां पे, टोटल मोल्स अभी भी कितने हैं, टोटल मोल्स अभी भी 1 ही है, ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे कि प्रेशर अभी भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसका QP का एक्सप्रेशन निकालोगे, ठीक है, या KP का एक्सप्रेशन निकालोगे अल्फा के टर्म्स में, तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू है बेटा 0, ठीक है, इसमें अल्फा की वैल्यू जो है ना, आप KP का एक्सप्रेशन चाहे तो लिख लेना, ठीक है, KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2, ओके, टोटल मोल्स तो 1 ही है, इनटू P का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल्स तो 1 ही है, ठीक है ना, तो इनटू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, मतलब टोटल प्रेशर इसका, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है, आप देखोगे यहां पे P² कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आप देखोगे तो अल्फा अपॉन 2 1 माइनस अल्फा जो आएगा, ठीक है, वो स्क्वायर रूट ऑफ केपी आ गया, अल्फा अगर आप देखोगे तो केपी के टर्म्स में कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पे प्रेशर पे डिपेंड करेगी नहीं बेटा, जब तक केपी चेंज नहीं होगा तब तक अल्फा चेंज नहीं होगा, ठीक है, और केपी चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब प्रेशर से इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो मतलब हम प्रेशर कुछ भी चेंज करें, ठीक है, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अगर अपन लोग आए तो एट गिवन टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी सेम, आंसर 4 जाएगा इसका, समझ रहे हो बात को, कोई कुछ सॉल्व नहीं करना था, आप अगर इतना देख लेते क्वेश्चन में कि डेल्टा एनजी 0 है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करेगा बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
बढ़ते हैं आगे 29 नंबर की प्रॉब्लम, 28 नंबर की प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। देखो यहां पे आपको दे रखा है N2 और H2, और ये रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, N2 और H2 को प्रारंभ में किसी अभिक्रिया के 7:1 के मास रेशियो में लिया गया, ठीक है। तो 7:1 के मास रेशियो में लिया गया है, तो मोल का अगर हम अनुपात देखें तो 7/28, ठीक है। अगर 7 ग्राम और 1 ग्राम ले लें तो 7/28 मतलब 1/4, और 1/2, ठीक है, मतलब आपका 1/4 ये हो गया था और वो 1/2 आया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपने जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया है N2+2H2, ये गैस गैसीय रिएक्शन है, N2H4, यहाँ पे आपने मोल रेशियो क्या ले रखा है, बताओ आपने मोल रेशियो ले रखा है 1:2 का, ठीक है। अच्छा, मास रेशियो 7:1 का है। अब वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर ड्यू टू N2H4 इज 50% ऑफ द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है, ओके भाई। तो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे साम्य पे क्या होगा, 1 में से x चला गया तो यहाँ पे 2-2x जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा 2x, ठीक है, 2-2x, और ये आपका क्या होगा, सोचो अगर हम देखें टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं अपने पास इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स 3-2x और ये बेटा आपका, सॉरी ये 2x कैसे हो गया, ये x ही आएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो 3-2x आएगा, ठीक है, ये टोटल मोल्स आ गए। अब टोटल मोल्स आ गए N2H, मतलब ये पूरे इक्विलिब्रियम पे सारे गैसेस के, ठीक है। तो अब जो प्रेशर होगा इन मोल्स की वजह से होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 आएगा x/3-2x, ठीक है, इनटू पी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो पार्शियल प्रेशर है वो 50% है बेटा, 50% किसका, टोटल प्रेशर का, तो p/2x/3-2x, ठीक है। तो यहां से जो है आप निकालोगे, पीपी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहां से कितना आएगा 3-2x इज इक्वल टू 2x, ओके, तो 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा बेटा, x की वैल्यू होगा 3/4 हम लोग रख दें, तो 1- पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जरा चेक कर लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा 1-x/3-2x into p, ठीक है। तो 1-x होगा आपका, इसको 3/4 रखा तो ये 1/4 बचा, ठीक है, और यहां पे कितना रखा 3-3/4 into 2, तो 3/2 बचेगा into p, क्लियर। तो यहां पे जो पार्शियल प्रेशर आएगा ऊपर से आया 1/4, नीचे से आया 3/2, ठीक है, तो ये 2, ओके, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये p/6 आएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपका p/6 हो जाएगा, क्लियर। सो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बेटा आपका मैच कर गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन p/6, बाकी आप चेक करोगे तो ये ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा नहीं, ये रिलेशन भी होल्ड नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं आगे 29 नंबर की प्रॉब्लम की तरफ, चलो तो बेटा ये अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टार्ट। 29 आपको दे रखा है, फॉर द गैसेस रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो आपके पास पेपर है यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, ठीक है, डी गिव्स टू ई है, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन तो करेक्ट है। आपको दोनों का KP1 और KP2 का अनुपात दे रखा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए और डी की दोनों की इक्वल है, ठीक है, तो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होंगे, इसको अपन लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं अपन लोग, आपको दे रखा है बेटा ए गिव्स व्हाट, बी प्लस सी, इसके लिए KP1 है, ठीक है, मान के चलो इसका 1 मोल लेते हैं, 1-α1 और ये α1 और ये α1, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो है आप लिख रहे हो डी गिव्स व्हाट टू ई, ठीक है, इसके 1 मोल लेके हम लोगों ने, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अपन लोग 1 मोल से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में वो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा पार्शियल प्रेशर के रेशियो में, तो आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, मोल अपन लोगों को इजी सॉल्विंग में 1 आसान रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2α2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे
केपी वन निकालें तो टोटल मोल कितने हैं बेटा, 1 प्लस अल्फा 1 इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग क्या लिखेंगे, केपी वन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या लिखोगे आप, अल्फा वन अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 इंटू पी, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये पी वन मान लो इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। अच्छा क्योंकि जो बी का होगा वही सी की कहानी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू वॉट पी वन, ठीक है। अच्छा जी तो यहां से अपन लोग देखेंगे तो के पी वन जो आ रहा है, तो के पी वन कितना आ रहा है, के पी वन आ रहा है बेटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दो, वन पी वन बचेगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा वन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इंटू पी वन, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे देखो बेटा के पी टू जब लिखोगे आप तो के पी टू क्या लिखोगे, के पी टू लिखोगे आप टोटल मोल्स, तो यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फा 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है, इंटू पी टू का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है, इंटू पी टू, ऐसे लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, सॉल्व करना बाकी रह गया इसको, यहां से ऊपर से आ रहा है 4 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1 प्लस अल्फा 2 एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग कर लेना, ठीक है, इसको मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ बस। और यहाँ पे के पी टू आ गया, तो के पी टू अपॉन के पी वन क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है के पी वन अपॉन के पी टू, ठीक है, ये दे रखा है 5:1, तो 5:1, ओके, यहां से क्या आ जाएगा आपका अल्फा वन और अल्फा टू बराबर है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अल्फा ये सारा मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, सीधा लिख दे रहा हूं, यहां से आएगा पी वन और यहां से आएगा 4p2, ठीक है, तो ये अपन लोग बोलेंगे कि पी वन अपॉन पी टू कितना आ जाएगा, पी वन अपॉन पी टू का जो रेशियो आएगा वो आएगा 20:1, ठीक है। So, क्या आंसर कोई 20:1 है, यस, ऑप्शन नंबर 3 अपन को दिख रहा है बेटा, तो 20 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको बोला जा रहा है कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए साम्यक के साम्य स्थिरांक के लिए सही संबंध होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5O2 है, तो 5O2, ओके, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे P4O10 तो सॉलिड है तो इनका एक्टिव मास तो 1 लेंगे या जो है ना, तो एक्टिविटी 1 लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन का ही अपन लोग टर्म लेंगे यहाँ पे, तो आंसर आपका 3 जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 31 नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं, ओके, 31 नंबर की प्रॉब्लम देखो बेटा, आपको दे रखा है यहाँ पे ln k 1/t, ठीक है, तो अपन लोग लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, -RT ln k, है ना, डेल्टा एच नॉट -T डेल्टा एच नॉट लिख सकते हैं इसको, -RT ln k, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ln k जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच नॉट बाई आर टी माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर, ठीक है, डेल्टा एच नॉट बाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देखो जरा, ग्राफ में क्या है बेटा, इसको कंपेयर करेंगे 1/t के साथ, तो ये जो टर्म बचा है, ठीक है, वो स्लोप है, तो स्लोप 10/30 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर, ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट 10/30 होता है बेटा 1/√3, ठीक है, और ये आएगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, तो डेल्टा एच नॉट कितना आ गया, डेल्टा एच नॉट हमारे पास आ गया, डेल्टा एच नॉट आ गया माइनस आर बाई रूट थ्री, आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, 2 कैलोरी बाई रूट 3, ठीक है, तो अपन लोगों के पास 2/√3 कैलोरी आ गया, ठीक है। अच्छा साथ में अब इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट वाला पार्ट क्या है, डेल्टा एच नॉट बाई आर, तो डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटरसेप्ट जो ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं जरा मिटाऊं, तो इंटरसेप्ट वाला पार्ट कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो डेल्टा एच नॉट बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट कितना आ गया, डेल्टा एच नॉट आ गया 2 कैलोरी, ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32, वो कह रहे हैं कीपिंग प्रेशर एंड टेंपरेचर कंडीशन कांस्टेंट द सेम सम अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस इज एडेड, ठीक है, टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। अगर अपन लोग इनर्ट गैस को ऐड कराते हैं बेटा कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, ठीक है, तो मतलब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर हम देखेंगे सभी की कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ
कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे गैसेस कंपोनेंट बढ़े, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वॉल्यूम इंक्रीज करने पे वहां पे जाते हैं जहां पे गैसेस कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, तो गैसेस कंपोनेंट प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है, तो आंसर इज मोर अमोनिया विल बी फॉर्म, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ। 33 में क्या बोला जा रहा है आपको, आपको बोला जा रहा है कि ए गिव्स व्हाट, ए प्लस बी गिव्स सी, है ना। के लिए सामिश्रण केसी याद करो, एक मोल दो मोल और 0.5 मोल सी के अपन लोगों ने लिए एक लीटर आयतन के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी सभी गैसियस हैं, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे वन मोल कंसंट्रेशन ऑब्वियस है, वन लीटर है तो कंसंट्रेशन भी वन हो जाएगी बेटा, तो वन और टू और ये 0.5, ठीक है। तो ये आपका टी इज इक्वल टू जीरो पे है, इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा तो वन में से एक्स गया बेटा, टू में से एक्स गया और ये 0.5 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सी की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, तो अपन लोग इसको क्या रख देंगे, इसको 1 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, ठीक है। अपन से पूछा जा रहा है केसी क्या होगा, तो केसी होगा सी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, बी की कॉन्सेंट्रेशन और ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन बची 1 - x मतलब 0.5 और बी की कॉन्सेंट्रेशन 2 - 0.5, तो 2 - 0.5 होता है 1.5, तो यहां से आ रहा है आपका 3/2, ओके। सो केसी कितना आ रहा है, केसी आ रहा है बेटा इसमें, ओके सो यहां से आपका 1 - x 0.5, ओके और ये 2 - x, सो 1.5 मतलब 3/2, है ना। सो जीरो पॉइंट फाइव इंटू 1.5, है ना, तो ये आ गया 2/3/2, दैट इज व्हाट 4/3, सो केसी की वैल्यू 4/3, ओके आंसर 3 आएगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नाउ नेक्स्ट देखो आपको बोला जा रहा है कि इन अ क्लोज वेसल SO2 Cl2 एंड Cl2 आर इंट्रोड्यूस्ड एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड 2 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ Kp इज दिस वन, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वुड बी, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आपको जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि SO2 Cl2 गैसियस गिव्स व्हाट, SO2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ठीक है। अच्छा जी आपको जो है 2 एटमॉस्फेयर SO2 Cl2 को 1 एटमॉस्फेयर पे और Cl2 को 2 एटमॉस्फेयर पे, तो इसको 1 एटमॉस्फेयर और Cl2 को 2 एटमॉस्फेयर पे, तो ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया और ये 2 एटमॉस्फेयर हो गया, ये T इज इक्वल टू 0 पे, T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 में से x गया बेटा, ये x बना और ये 2 प्लस x हो गया, है ना। आपको बोला जा रहा है कि जो है केपी का मान, ओके केपी का मान 2.5 है, तो केपी आप क्या लिखोगे इस रिएक्शन के लिए, आप केपी लिखोगे एक्स, ठीक है, इनटू 2 + x अपॉन 1 - x और ये 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.5, ठीक है। अगर आप इसको बिना कोई लॉजिक के सॉल्व करो, ठीक है, तो 2.5 ये 0.5 और ये भी 0.5, अगर x की वैल्यू 0.5 रख दी जाए तो x की वैल्यू आएगी बेटा 0.5, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है अपन से, अपन से पूछा जा रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है, 2 प्लस ये 1 तो 3 प्लस x टोटल प्रेशर है, जहां पे x की वैल्यू 0.5 है तो 3.5 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं यहां पे 34 नंबर का 3.5 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रियम गिवन बिलो, हाफ ऑफ N2 3/2 H2 गिव्स अमोनिया, ठीक है, हाफ ऑफ N2, ओके। आपको ये रिएक्शन फ्रेम करनी है किसकी मदद से, आपको मदद लेनी है किसकी, इन तीन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, ठीक है। आप क्या करो, पहली रिएक्शन का रिवर्स कर दो बेटा, ठीक है। तो पहली रिएक्शन का जब रिवर्स लिखोगे तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक है, गिव्स व्हाट
N2 plus 3H2, ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 upon KP1, ठीक है, और आपने क्या करा है इसमें, 2 से भी मल्टीप्लाई किया, तो 1 upon KP1, या K1 बोल दूं इसको, ठीक है, K1 का स्क्वायर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाएगा, जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में चले जाते हैं बेटा, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है, NO आपको चाहिए राइट साइड पे ही है, बट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपन ने लिया इसको N2 plus O2 gives twice of NO, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया K2 का whole square, ठीक है, अच्छा, फिर आपको H2O राइट साइड में ही चाहिए, और 3 से मल्टीप्लाई करके चाहिए, तो 3H2 plus 3 by 2O2 gives what, 3H2O, ठीक है, आप अगर इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, K3 की पावर 3, ठीक है, इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो N2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 3H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, जो आपकी डिजायर्ड रिएक्शन है वही बचेगी, तो आंसर क्या आएगा इसका, देखो इनके तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे K2 अपॉन K1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई K3 का होल क्यूब, समझ में आ गई बात, चलो तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया, ओके बढ़ते हैं आगे, 36 नंबर की प्रॉब्लम है, दो सॉलिड हैं, है ना, ये कोई बस प्रॉब्लम डरावनी लग रही है, एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी डरावनी कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है, दो सॉलिड हैं ए और डी, टोटल प्रेशर व्हेन बोथ सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली, अगर एक चैंबर में दोनों सॉलिड्स को रख देते हैं ए और डी को, तो वो कह रहे हैं प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो इसको देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की ट्रिक समझ लो, ए सॉलिड गिव्स व्हाट, बी गैसियस प्लस, ओके, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, सी गैसियस अगर पूछा भी जाता है तो, ठीक है, डी गैसियस, यहां पे डी गैसियस, यहां पे जो है आपका गिव्स सी गैसियस प्लस ई गैसियस, ठीक है, अब देखो इन दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, कौन, सी, है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम को प्रभावित करेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इसके लिए अपन लोगों ने ले रखा है बेटा कितना, KP1, ओके, और इसके लिए क्या ले रखा है, KP2, ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है, ठीक है, अगर मान के चलो ए सॉलिड के टूटने से, ठीक है, जो भी अमाउंट टूटी, इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा बेटा वो सपोज P1 है, और इसकी वजह से यहाँ पे सी का भी प्रेशर P1 है, ठीक है, डी की जो भी अमाउंट टूटी उसकी वजह से जो प्रेशर बना इन गैसेस कंपोनेंट का वो बराबर बनेगा P2 और P2, ठीक है, लेकिन सी कॉमन है तो सी का जो प्रेशर है बेटा P1 प्लस P2 एक ही चैम्बर में है क्योंकि, ठीक है, अच्छा, तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन लोग लिखेंगे कि भाई जो KP1 होगा, ठीक है, KP1 जो होगा वो क्या होगा बेटा P1 × P1 + P2, ठीक है, और KP2 जो होगा वो होगा P2 × P1 + P2, ठीक है, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, KP1 + KP2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट बेटा, P1 + P2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, अब अपन को पता है कि P1 + P2 क्या है अपने पास, P1 + P2 जो है अपन को P टोटल चाहिए, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर हम देखें तो सबको ऐड करोगे ये P1 + P2, है ना, तो ये आएगा 2 times of P1 + P2, है ना, और 2 times of P1 + P2, P1 + P2 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, √KP1 + KP2, तो ये आ जाएगा 2 times of √KP1 + KP2, KP1 की वैल्यू है x और KP2 की वैल्यू है y, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, √2x + y, सो आंसर है आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है, चलो 36 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपनी, ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही डील करना है प्रॉब्लम को, कोई लाग लपेट नहीं है बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन अपन लोगों ने कुछ लर्निंग बेसिस के लिए डाला है, ठीक है, कुछ एडवांस चीजें भी सीखो आप लोग, ठीक है, अच्छा, कि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई अच्छी प्रॉब्लम बन सकती है तो उससे डर दूर हो, ठीक है, चलो 36 नंबर की प्रॉब्लम पे बात करते हैं, 37 देखो, 37 में इन द फिगर, ये तो आसान सी प्रॉब्लम है, बस फिगर विगर बना दिया है तो अपन लोगों को लग रहा है ये डिफिकल्ट सा, ठीक है, बट कुछ है नहीं है इसमें, देखो दिए गए चित्र में अभिकर्मक ए को ट्राइंगल से डिनोट किया है, तो ये ए हो गया, ठीक है, और वो कह रहे हैं बी को स्क्वायर से डिनोट करा गया है, ठीक है, ये 4 स्क्वायर हो गए अपने पास, ठीक है, 3 ट्राइंगल हो गए, और बाकी सी को सर्कल से डिनोट करा गया है, पात्र का इकाई आयतन मानते हुए, ठीक है, आप ये मान लो कि ये मोलों की संख्या या
मॉलिक्यूल्स की संख्या है, ठीक है, तो अपन लोगों को केसी निकालना है, ठीक है, तो केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक निकालना है, ओके, तो केसी कितना आएगा, देखो केसी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे केसी इसका B की कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन, बेटा काउंट कर लोगे, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना, B आपका 4 C 3 और यहां पे 3, ओके, सो आंसर आएगा आपका 4, ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 37 हो गया, 38 देखो, चलो 38 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया बन रहा है, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक है वो Kp है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी बंद पात्र में अमोनिया शुद्ध अमोनिया को छोड़ देते हैं और उसका वियोजन होता है तो वो कह रहे हैं कि भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का क्या होगा, ओके, और ये भी कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर अमोनिया का जो होगा वो टोटल प्रेशर के सापेक्ष बहुत कम है, ठीक है ना, मतलब ये करीब करीब अमोनिया का वियोजन पूरा पूरा हो जा रहा है 100%, तभी ऐसा संभव है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये प्रॉब्लम फिलहाल इस पेपर की मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छी प्रॉब्लम है जो आपको कुछ सिखाएगी, ठीक है, किसको सोचना कैसे, देखो अमोनिया जो है इसको आपने बंद पात्र में ले रखा है, तो N2 + 3H2 बेटा, ठीक है, हाफ ऑफ N2 और 3/2 H2, ठीक है, सब गैसेस फेस में है तो वो तो अपन लोग कंसीडर कर लेंगे। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, देखो इस गिवन रिएक्शन के लिए Kp है तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा बेटा, 1/Kp^(1/2) जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसका, ठीक है। अगर आपने जो है अमोनिया का एक मोल या जो भी प्रेशर लिया है, ठीक है, एक मोल लिया है तो यहां पे क्या होगा, एक में से कितना गया अल्फा, तो ये कितना बना बेटा α/2 और ये कितना बना 3α/2, ठीक है, ये बनेगा, है ना। अब देखो अगर हम बोले कि वो कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है वो लगभग क्या बेटा पी के रिस्पेक्ट में निगलिजिबल है, मतलब यहाँ पे 1 - α इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की अमाउंट और हाइड्रोजन की अमाउंट किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, ठीक है, 1:3 के रेशियो में। तो अगर अपन लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर अगर पी है तो इसकी वजह से तो प्रेशर ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, तो उसको तो अपन लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर प्रेशर पी है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा पी, ओके, बाय टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए 4, ठीक है, तो पी बाई 4 आएगा और ये कितना आएगा 3P/4, ठीक है, ओके, इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना आएगा पी, है ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर अमोनिया का लगभग 0 है, ठीक है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा इस रिएक्शन में जो 1/Kp^2 होगा उसके लिए लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1/2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो यहां पे 1/Kp^2 जो दे रखा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, दैट इज P/4, दैट इज P/4, ठीक है, और यहां पे क्या होगा P/4, तो ये आपका पावर 1/2 हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा 3P/4^(3/2), है ना, और ये अपन लोगों को पता करना है भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो अब जरा आप चेक कर लो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो आएगा वो कितना आएगा, आपने जो है इसको भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से 2 आएगा, ठीक है, वहां से आप देखोगे तो P/2 कितना आ गया, P/2 आ गया बेटा 3P/3/2, है ना, तो ऑप्शंस जरा मैच कर लेते हैं अपन लोग डायरेक्ट, ठीक है, 3P/3/2 दो ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक है, Kp^(1/2)P², ठीक है, और यहां से कितना आएगा, देखो यहां से जो है अपन लोग देखेंगे तो 2 तो यहां से बाहर आ गया, यहां से भी 4 जो है आपका 4√4 आएगा, ठीक है, तो मतलब आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 × 2 = 16 हो गया, तो 16 हो जाएगा बेटा, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा तो ये प्रॉब्लम नंबर 38 हो गई, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 39।
वो कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज नॉट Kp इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू Kc. तो Kp नॉट इक्वल टू Kc के लिए क्या बेटा, Kp नॉट इक्वल टू Kc हो इसका मतलब डेल्टा n की वैल्यू या डेल्टा n की वैल्यू जीरो नहीं होगी. ठीक है, तो डेल्टा n की वैल्यू इस केस में भी जीरो है, इस केस में भी जीरो है और इस केस में भी जीरो है. ठीक है, ओके, बचा गया आपके पास चौथा ऑप्शन. ठीक है, सो चौथा ऑप्शन जो है आपका डेल्टा n की नॉन जीरो का है, तो आंसर आपका फोर्थ जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, चलो 39 हो गया, 40 पे आ जाते हैं बेटा. 40 में बोल रहे हैं आपको कि NH4HS को इंट्रोड्यूस किया गया 3 लीटर के वेसल में. ठीक है भाई, 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है. ठोस NH4HS का 30% वियोजन अमोनिया और H2S गैसों में हो जाता है, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया के लिए Kp क्या होगा. ठीक है, तो Kp क्या होगा बेटा इस रिएक्शन के लिए, तो देखो NH4HS का आप वियोजन कर रहे हो. ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो बेटा NH4HS का मोलर मास आएगा आपका 51, तो 5.1 डिवाइडेड बाय 51 करोगे तो ये आएगा 0.1. कितना आएगा 0.1. तो आपने इसको इनिशियली 0.1 मोल लिया है, तो 0.1 मोल से अमोनिया बना, ओके, और H2S बना. ठीक है, ये जो है इनिशियली हो गया. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे वो बोल रहे हैं कि भाई 30% इसका फिनिश हो जाता, तो 0.1 में से 30% जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 0.03, मतलब ये 0.07 बचा. ठीक है, और ये कितना आया 0.03 और ये 0.03, ये तो मोल की कहानी हो गई. ठीक है, अच्छा जी, Kp पता करना है अपन को. ओके, अब देखो इसमें क्या है कि भाई 0.03 एंड 0.03, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया कितना वॉल्यूम ले रही है बेटा 3 लीटर है ना, तो Pb is equal to nRT वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. n की वैल्यू हो गई 0.03 है ना, r की वैल्यू हो गई 0.0821 और टेम्परेचर आपका कितना है 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आ जाएगा 600 केल्विन. ठीक है, और ये nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 3. ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये आपने 20 हटा दिए तो ये बचा 3, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.492 एटमॉस्फेयर. ठीक है, 0.492 एटमॉस्फेयर आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया. जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होगा उतना ही H2S का होगा, क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं. ठीक है, ये तो सॉलिड फेज में है, इसका तो कुछ करना नहीं है अपन को. तो Kp क्या होगा बेटा, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. दोनों का आप पार्शियल प्रेशर लोगे तो दोनों का बराबर है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा. स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25. ठीक है, और 0.25 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी. ठीक है, तो अपन लोग देख लेते हैं 0.242 है ना, 0.242 है ना. अच्छा जी, तो 0.242 एटमॉस्फेयर कौन सा आंसर आ रहा है. ओके, पहला ही ऑप्शन है बेटा 0.242 एटमॉस्फेयर का होल स्क्वायर, पावर में कुछ 10^-4 ऐसा कुछ नहीं आएगा. क्लियर, बढ़ते आगे. 41 देखो, आपको बोला जा रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन Ag प्लस ट्वाइस NH3 गिव्स व्हाट, Ag NH3 का होल ट्वाइस, ये एक्वस फेस में आपको रिएक्शन दे रखी है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है बेटा, आपको डेल्टा जी नॉट पूछा गया, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ आरटी ln ऑफ के इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसको लिखोगे आप माइनस ऑफ 2.303, आर की वैल्यू 8.314 रखोगे, इनटू टेम्परेचर आप रख दोगे, टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, ठीक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298, ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5.7 किलो जूल आता है. ठीक है, समझो बात को. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, log of k 1.7 इनटू 10^7, इसका वैल्यू निकालोगे बेटा, 1.7 का आपको डेटा दे रखा है 0.23, तो इसका वैल्यू आएगा कितना, इसका log 10^7 का आएगा 7, तो 7.23, ओके, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7.23, ओके, 7×35, ठीक है ना, मतलब 40 के आसपास आएगा जो भी आंसर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, समझे बात को, बढ़ते हैं आगे. ये वैल्यू जरा याद रख लेना, ये जो वैल्यू है बार बार आप लोगों को जरूरत पड़ती रहती है, तो 5.7 इसको लर्न कर लेना बेटा. ठीक है, किलो जूल में.
नाउ बढ़ते हैं आगे, 42 नंबर की प्रॉब्लम, आयनिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम यहाँ से चालू हो गई है ना। हाँ ठीक है, 41-42 के बाद, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जिर्गोनियम फॉस्फेट इज डिनोटेड बाई KSP, ठीक है, और मोलर सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाई S, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो देखो बेटा जिर्गोनियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला अपन को दे रखा है Zr3PO4 का होल 4, ठीक है, जब आप इसको लिखोगे तो 3Zr4++ 4 फॉस्फेट आयन PO4 3-, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 3S और यहाँ पे क्या है 4S, ठीक है, इधर पे कितना हो जाएगा, इधर पे आएगा KSP, ठीक है, KSP आ जाएगा बेटा आपका 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 एंड S की पावर 3+4 मतलब 7, ठीक है, तो S जो आएगा वो आएगा KSP अपॉन 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4 आता है 6912, ठीक है, अच्छा उसका होल पावर क्या आएगा 1/7, क्लियर। सो ये आपकी कहानी हो गई जिर्गोनियम फॉस्फेट की, ठीक है, बढ़ते हैं 42 हो गया, 43 देखो, 43 में क्या बोला जा रहा है आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट हैज मैक्सिमम पीएच वैल्यू, ठीक है, तो बेटा मैक्सिमम पीएच का मतलब हुआ अल्कलाइन करेक्टर का कौन सा सबसे ज्यादा होगा, तो हमेशा जो सॉल्ट होता है, ठीक है, जैसे NaCl और KBr की बात करूं तो ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है, तो इनका जो वाटर के अंदर जो है आयनाइजेशन तो हो जाएगा बट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो इनकी पीएच तो रहने वाली 7, ठीक है, तो पीएच 7 के अराउंड रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं NH4Cl जो है ये सॉल्ट है किसका, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा पानी के अंदर, तो पीएच इसका 7 से लेस देन होगा, ठीक है। Na2CO3 की अगर मैं बात करूं तो Na2CO3 एक सॉल्ट है बेटा किसका, कार्बोनेट आयन, ओके, जो कि कार्बोनिक एसिड से मिलेगा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट जो होगा, ठीक है, ये जो है अल्कलाइन करेक्टर शो करेगा, ओके, तो ये पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं अपना आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम पीएच वैल्यू अपन लोगों को Na2CO3 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा 44 पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है, टाइम काफी जा रहा है। नंबर ऑफ OH- प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ एक्वो सॉल्यूशन, ठीक है, अब देखो पीएच आपको 12 दे रखी है बेटा, पीएच अगर आपको 12 दे रखी है तो पीएच कितना हो गया 2 हो गया, OH आपका 2 हो गया, तो OH - 10 टू द पावर - 2 हो गया, 10 टू द पावर - 2 OH- की कंसंट्रेशन है किसमें, मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है, तो 1 ml में कितना होगा, एक भाई ये बता रहा है कि इतने मोल एक लीटर में, तो एक एमएल में कितने मोल होंगे, 1 एमएल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंटेन्स कितने OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 1000 एमएल, मतलब ये आपका आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, अच्छा तो 10 टू द पावर माइनस 5 मोल आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5 मोल का मतलब कितना हुआ, कितने आयंस मौजूद हुए, 6.02 * 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ये आपका 10 की पावर माइनस 5, ओके, सो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 18, सो फोर्थ आंसर होगा बेटा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे अपन लोग, ओके, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट फॉर मिथाइल अमीन, ठीक है, तो मिथाइल अमीन जो है आप देखो तो MeNH2 या CH3NH2 को बोलेंगे बेटा, तो MeNH2 आपस में रिएक्ट करके जैसे वाटर है और सेल्फ या ऑटो प्रोटोलिसिस करते हैं, तो वाटर का ऑटो प्रोटोलिसिस KW ही होता है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर की जगह आप सिर्फ इसको थिंक करो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन ले रहा है, एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन लूज कर रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को, तो यहाँ पे ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट जो आएगा, ठीक है, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये तो मीडियम मतलब ये तो मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, जैसे वाटर में अपन लोग लेते हैं KW H+ और OH- कॉन्सेंट्रेशन, वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है, अच्छा, और मान के चलो अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट या हम लोग इसको लेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा बेटा, नीचे अगर आएगा तो स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर वाला कोई टर्म अपन को दे ही नहीं रखा है नीचे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 45 हो गया, 46 पे आ जाओ, 46 में अपन लोग देखें तो 46 में अपन लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी बताना है, तो पीकेबी की डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है, जिसका बेसिक करेक्टर, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, उसका पीकेबी क्या होगा, कम होगा, ठीक है,
समझो बात को, और बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे, ठीक है। तो ये डिटेल में अपन लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो अपन लोगों को देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ में लिखूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी CH3CH2- की, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, फिर आएगा NH2- और उसके बाद आएगा CH3CC-, ठीक है। इन सबकी रीजनिंग अपन को पता ही है, ठीक है, और OH-, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका कंजुगेट एसिड वीकेस्ट एसिड होगा, ठीक है। इन सभी में देखो तो वाटर का कंजुगेट एसिड वाटर OH- का जो कंजुगेट एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे इन सभी में, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे OH- सबसे वीकेस्ट बेस है, और जो सबसे वीकेस्ट बेस है उसका PKB सबसे ज्यादा होगा। तो OH- सबसे आगे कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑर्डर होगा बेटा, तो आंसर आपका थर्ड आएगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज 25 times greater than that of at room temperature, ठीक है, the pure pH of pure water at 80 degree centigrade, ठीक है, is above, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जल का 80 degree centigrade ताप पर जो है pH मान क्या होगा, ठीक है। तो pH मान अपन को देखना है बेटा, तो KW at 80 degree centigrade, ठीक है, मतलब latitude KW2, ठीक है, 80 degree centigrade पे ये आपका 25 टाइम्स KW एट रूम टेम्परेचर कितना होता है 10^-14, तो 25×10^14, ठीक है ना। अभी भी KW क्या होगा बेटा, H+OH- की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 25×10^14, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू तो इक्वल ही है ना, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल वाटर है, तो H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो H+ कितना आ जाएगा, H+ आ जाएगा बेटा 5×10^7, ठीक है। तो आप जब pH निकालोगे तो pH निकालने के लिए माइनस लॉग लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7-log 5, log 5 जो है, log 2, log 3, log 5 की वैल्यू तो अपन को याद ही रखनी चाहिए, ठीक है। log 5 होता है बेटा 0.69, ओके, तो 0.69 मतलब 6.31, सो आंसर इज 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया अपन को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, ठीक है, ये प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है, जिसमें अपन लोग सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रुप 2 रेडिकल्स, ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स होते हैं और ग्रुप 4 के जो रेडिकल्स होते हैं, दोनों ही सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं Cu2+, Cd2+, ठीक है, Hg2+, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है, अच्छा। और ग्रुप 4 के जो है रेडिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन में, वो होते हैं Zn+2, Mn+2, ओके, Co+2 एंड Ni+2, ठीक है, निकल, ठीक है। अब दोनों में ही H2S पास कराएंगे तो ZnS, MnS, COS, NiS बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे CdS, CuS, HgS बनेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात हो रही है सल्फाइड्स के फॉर्म में, ठीक है। अगर अपन लोग देखें बेटा यहाँ पे कि इनको अरेंज कैसे करा गया, ग्रुप्स को कैसे डिवाइड करा गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केएसपी वैल्यू, तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन फोर्थ ग्रुप के लिए क्या है, ज्यादा चाहिए पड़ेगी प्रेसिपिटेशन के लिए, और ग्रुप 2 के लिए कम चाहिए पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर सॉल्यूशन में दोनों ही टाइप के आयंस मौजूद हैं, ग्रुप 2 के और ग्रुप 4 के, और हम टेस्टिंग कर रहे हैं ग्रुप 2 की रेडिकल्स की, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ग्रुप 4 के आयंस प्रेसिपिटेट ना हो जाएं, इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे कि सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को कम करना चाहेंगे, ओके। तो इसलिए क्या होगा बेटा, अपन लोग यहाँ पे HCl पहले ही ऐड करा देंगे, ताकि यहाँ पे जो H+ आयन है वो कॉमन आयन की वजह से, ठीक है, HCl से H+ आयन मिल जाएंगे, तो कॉमन आयन की वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो सल्फाइड आयन जो है कम ही प्रोड्यूस होंगे, और सिर्फ ग्रुप 2 के रेडिकल्स का टेस्ट हो पाएगा, ग्रुप 4 के रेडिकल्स का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आगे बात। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ H2S सो दैट ग्रुप 4 रेडिकल प्रेजेंट माइट नॉट प्रेसिपिटेट, ये समझ में आ गया, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में अपन लोग बात करते हैं, या प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ठीक है। विच इक्विलिब्रियम विल नॉट फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो अपन लोगों को पता है ये बात दिमाग में बैठा लो कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ ट्रांसफर होगा, शिफ्ट होगा, क्लियर। तो अगर हम देखें यहाँ पे एसिटिक एसिड और यहाँ पे अमोनियम आयन, ठीक है, और अमोनिया और एसिटेट आयन, क्लियर। अच्छा, तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है,
ठीक है, एसिटिक एसिड आपस में जो है मिलके बनाएगा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपका वीक एसिड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, तो ये इक्विलिब्रियम क्या है आपका फेवरेबल है, ठीक है। HCN plus CH3CONa, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे HCN क्या कर रहा है, एसिड की तरीके से काम कर रहा है और एसिटेट आयन बेस की तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे एसिटिक एसिड की और HCN की जब आप pKa वैल्यू चेक करोगे बेटा, ठीक है, तो HCN इज वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का pKa 4.7 होता है जबकि उसका pKa करीब 10 के आसपास होता है, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और यहाँ पे ये वीकर एसिड है, ठीक है, इसीलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में फेवरेबल नहीं होगा। तो नॉट फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो आंसर आपका कौन सा जाएगा, आंसर आपका 2 जाएगा, ठीक है। फिलहाल इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिनॉल और जो है H2CO3 में अगर हम देखें तो फिनॉल जो है बेटा इसका pKa जो है 10 के आसपास होता है, ठीक है, और इसका जो pKa होता है 6.4 होता है, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना H2CO3, ठीक है, ठीक है, तो ये फिनोक्साइड और H2CO3 मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये क्या बेटा वीकर एसिड है, इसलिए इक्विलिब्रियम फेवरेबल होगा। क्लियर, फिनॉल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना, लेकिन ये उल्टी रिवर्स रिएक्शन लिखी है तो वो ये बैकवर्ड नहीं जाएगी, ये फॉरवर्ड आएगी, ठीक है। तो मतलब ये आपका सही है, फॉरवर्ड जाएगा बेटा। ग्रिग्नार्ड RMDX की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ऑब्वियस है ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीकेस्ट एसिड में से आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और ये वीक एसिड हो जाएगा, क्लियर। तो अपन लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड करेगा तो आंसर अपना फाइनली इसका 2 जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 49 हो गया बेटा। 50 देखो, वो कह रहे हैं कि MgOH twice का pH जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है MgOH twice का, तो MgOH twice का Mg+2+2OH- लिखोगे आप, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो ये S बना होगा तो ये 2S बना होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर S मोल पर लीटर है, जहां पे 2S की वैल्यू कितनी होगा, आपको बोला जा रहा है कि भाई MgOH twice का pH कितना है 12, तो pOH कितना हुआ 2, और pOH अगर 2 है तो यहाँ पे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10^-2, तो S आ जाएगा आपके पास 1/2 × 10^-2 मतलब 5 × 10^-3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपको बोला जा रहा है Ksp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4s³ आएगा, ठीक है, s × 2s² मतलब 4s³, ठीक है, तो 4 × 5 × 5 × 5 × 10^-9, ठीक है। सो आप इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका बेटा 5 × 10^-7, 125 × 4 500 × 500, ठीक है, तो 5 × 10^-7, सो आंसर इसका 4th आना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं अपन लोग, है ना। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें अपन लोगों को बताना है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस PQRS को फिल करना है, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे कि कॉन्जुगेट एसिड मतलब एसिटिक एसिड को कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, मतलब इसमें बेस की तरह बिहेव करा होगा, ठीक है, तो इसमें प्रोटोन रिसीव करा होगा, प्रोटोन कहाँ रिसीव करेगा ये ध्यान समझ लो, CH3COOH जब कोई स्ट्रॉन्गर एसिड इसके साथ, ठीक है, जैसे H2O4 वगैरह यूज करा हमने, तो यहाँ पे H+ का प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे CH3COH+, ठीक है, एंड OH ऐसा हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि क्या आएगा, CH3COH2+, ठीक है, ये अपन को दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में अपन को ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो एक ये अपन लोगों को वैसे आंसर मिल चुका है, ठीक है, बाकी किसी में दिख ही नहीं रहा, और यहाँ पे तो अटैक होगा नहीं भाई, CH4+ तो बनाता नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्यों क्या होगा बेटा, कंजुगेट बेस HS- का मतलब इसने एसिड की तरह बिहेव करा तो सल्फाइड, ठीक है, NH3 का कंजुगेट एसिड लिखना है मतलब इसने बेस की तरह बिहेव करा है, ठीक है, तो इसका NH4+ आएगा, और यहाँ पे HSO3- का कंजुगेट बेस लिखना है तो SO32- आएगा क्योंकि इसने एसिड की तरह बिहेव करा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 4th आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे जल्दी से, 51 का बाद 52 है ना। द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.3 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विल न्यूट्रलाइज, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एसिड, ठीक है, तो किसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। अब देखो बेटा यहां पे अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया की जो रिएक्शन है अपन लोग करा रहे हैं किसके साथ,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो अमोनिया के मोल कितने हैं, पहले तो ये देखो, अमोनिया के मोल आ रहे हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये आ रहे हैं 1/200 मोल, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब देखो यहाँ पे अपन लोग रिएक्शन को जब देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना Na2CO3, ठीक है, प्लस 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी 1 मोल NH2CONH2 से, ठीक है। अब 1/200 मोल का मतलब क्या है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल किसके आ गए, यूरिया आ गए, तो 5 मिलीमोल से अमोनिया प्रोड्यूस कितना होगा, 10 मिलीमोल, ठीक है। 10 मिलीमोल अमोनिया को अपन लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कराना चाह रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, HCl के साथ। तो मतलब HCl के मिलीमोल कितने होंगे या मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, क्योंकि अमोनिया के मिलीमोल अगर जो है 10 है, तो बेटा ऑब्वियस है ये एक ही H+ के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका n फैक्टर क्या है, 1, तो 10 मिली इक्विवेलेंट आ गए, तो 10 मिली इक्विवेलेंट HCl के भी हमें चाहिए, तो 10 मिली इक्विवेलेंट HCl के किस केस में मिल रहे हैं, 10 × 0.1 नॉर्मल, ठीक है, तो अपन लोगों को ये मिल रहा है बेटा 0.1 × 100 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, सो आपका आंसर पहला ही होगा, ठीक है, बाकी चेक करोगे आप 10 नहीं आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 53, ओके 53 क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, स्टोकियोमेट्री एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट विद सॉल्युबिलिटी कर्व आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आपको दे रखा है बेटा कि जब x 1 है तो y कितना होगा, उससे डबल होगा, ठीक है, 2 मिली मोलर, ठीक है। तो ऑब्वियस है फॉर्मूला किस तरीके का होना चाहिए, एक्स वाई टू टाइप का, ताकि जब x 1 हो, ठीक है, तो y कितना होना चाहिए, 2y, मतलब ये s होगा तो ये 2s होगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है अपन लोगों से कि भाई स्टोकियोमेट्री क्या होनी चाहिए एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर s की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग, s की वैल्यू ले रहे हैं 1 मिलीमोलर, ठीक है, तो 1 × 10⁻³, ठीक है, तो ये कितना है, 2 × 10⁻³, ठीक है, तो Ksp कितना आएगा, था Ksp आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आएगा आपका 4s³, तो 4, ठीक है, 4 × s³, है ना, तो 4s³, 4 × 10⁻³ का होल क्यूब, ठीक है, ओके, तो ये मोलर में आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, सेकंड, x/2, 4 × 10⁻⁹, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ksp ऑफ स्ट्रोंसियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट आपको दे रखे हैं, ठीक है, Ksp वैल्यू दोनों की, यदि दोनों लवण को एक साथ जल में मिलाकर उनका संतृप्त विलयन तैयार किया गया होगा, ठीक है ना, दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपन ने साथ में ही मिलाया है, बेरियम सल्फेट और स्ट्रोंसियम सल्फेट का, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंसियम 2+ एंड बेरियम 2+, अगेन क्या है बेटा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम लगने में दिखने में बड़ी है लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं है वो, ठीक है। स्ट्रोंसियम सल्फेट, ठीक है, और बेरियम सल्फेट को अपन लोगों ने लिया है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, स्ट्रोंसियम 2+ प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, बेरियम 2+ प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, Ksp1 और इसके लिए Ksp2, ठीक है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा S1 मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है, तो ये कितना बनेगा S1, और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S1 है तो ये S1 और S1, ठीक है, सल्फेट आयन दोनों में कॉमन है, इस सल्फेट आयन के कॉमन होने की वजह से दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। अच्छा, और डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम में अगर ये S1 है तो इसकी वजह से S1 ही आएगा, और यहां पे S2 आएगा तो ये S2 आएगा, लेकिन सल्फेट आयन दोनों से मिलके कितना हो गया बेटा, S1+S2, और ये भी S1+S2, ठीक है, समझ रहे हो आपको, पूछा क्या जा रहा है अपन से, पूछा जा रहा है स्ट्रोंसियम आयन और बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे Ksp1 क्या लिखोगे तुम, Ksp1 लिखोगे S1 × S1+S2, ठीक है, और Ksp2 क्या लिखोगे, S2 × S1+S2, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो निकालना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना क्या बेटा, स्ट्रोंसियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, ठीक है, ये कितना है, S1/S2, कितना है, S1/S2, तो देखो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, प्रॉब्लम इस तरीके की फ्रेम करी गई कि आपको सिर्फ कुछ सॉल्व नहीं करना पड़े, कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहे, बस
आपका प्रॉब्लम बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाए, कुछ भी आपको ज्यादा कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करना था, बस डेयर करना था प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का, ठीक है, हो गया बेटा। देखो अगर अपन लोग स्ट्रोंसियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन रेशियो S1 अपॉन S2 निकालें, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो, ठीक है, तो ये S1 प्लस S2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इसकी वैल्यू आएगी KSP1 अपॉन KSP2 के बराबर, ठीक है। तो KSP1 कितना है भाई स्ट्रोंसियम सल्फेट का 1 × 10⁻³⁰, और ये बेरियम सल्फेट का 1 × 10⁻³⁴, और ये आपका आ रहा है 4 × 10⁻¹⁴, ठीक है, ये बात समझ आ गई अपन को। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 upon 4, मतलब 2.5, ठीक है। सो क्या कोई ऑप्शन है अपने पास, ओके 10 upon 4 मतलब 5/2 ऐसा लिख सकते हैं, 10/4 मतलब 5/2, ओके सो टू ऑप्शन, ठीक है। चलो 54 हो गया, 55 पे आते हैं अपन लोग। 55 में बोला जा रहा है अपन को, सबको मेडिकल वाले हैं तो इनको याद करने है ना, कुछ ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब इसमें बोला जा रहा है कि दो बफर हैं, ठीक है, आपको बफर ए दे रखा है और बफर बी दे रखा है, ठीक है, प्रॉब्लम तो आपने पढ़ी है ना। बोला जा रहा है कि कौन सा विलयन ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, तो अपन लोगों को पता है कि विलयन तब प्रभावी बनाते हैं, ठीक है, जैसे अपन लोग वीक एसिड और उसके सॉल्ट से, ठीक है, वीक एसिड के जो सॉल्ट से अपन लोग क्या कर रहे हैं, अगर बफर बना रहे हैं तो कंसंट्रेशन अगर दोनों की समान रहेगी तो बफर सबसे अच्छी कैपेसिटी या बफर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब बफर क्या पीएच के बदलाव को वो रोक सके, उसकी जो क्षमता है उसी को बोलेंगे बफर कैपेसिटी बेटा। तो सबसे अच्छा बफर कैपेसिटी का सॉल्यूशन ज्यादातर तब बनता है जब दोनों एसिड और उससे जो जुड़ा हुआ सॉल्ट है, ठीक है, दोनों को करीब करीब समान कंसंट्रेशन में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में समान कंसंट्रेशन है, क्लियर, तो फिर यहाँ पे कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से तो देखो बेटा दोनों ही अपन लोगों के समान रूप से प्रभावी होंगे, लेकिन यहाँ पे अपन लोगों को थोड़ा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बफर कैपेसिटी का, ठीक है। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है कि अपन लोगों ने कितने एसिड या बेस के मोल एड करे हैं डेल्टा बी, ठीक है, और पीएच में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा तो ये तो अपन को इस बारे में तो कुछ बात बोली नहीं गई, कितना बेस ऐड कराना है, कितना पीएच चेंज कराना है, ये सब तो नहीं बोला गया है, लेकिन उसको अपन लोग किसी भी एसिडिक बफर के लिए जो बफर कैपेसिटी आती है बेटा, वो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये ए मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ए प्लस एस, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ठीक है, इंटू 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 बेटा, ठीक है, ओके, आप देखोगे यहां से आ रहा है 0.01 अपॉन 0.2, ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, आप देखोगे इसको 0.1 अपॉन 2, ओके, सो 0.1 अपॉन 2 आएगा 0.05, ये ए के लिए हो गया, ठीक है, बफर ए के लिए बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। बी के लिए जो निकालोगे तो बी के लिए क्या आएगा बेटा, 0.2 × 0.2 upon 0.2 + 0.2, ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.04 upon 0.4, ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 0.1 के बराबर, ठीक है। सो अगर हम देखें तो दोनों में ज्यादा बफर कैपेसिटी इसकी आ रही है, ये बी की आ रही होता, ठीक है, तो बी इज मोर इफेक्टिव बफर, ठीक है, तो चलो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी इज मोर इफेक्टिव बफर देन ए, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्राफ शोइंग टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के करस्पॉन्डिंग हमें टाइट्रेशन कर्व देखना है, तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व क्या आता है, ठीक है, अगर अपन लोग वीक बेस NH4OH की बात करें तो इसका पीएच स्टार्टिंग करीब 12 और 13 के आसपास होगा बेटा, ठीक है, और कुछ जब टाइट्रेशन इसका करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ HCl होगा, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे जो है फिनोफ्थलीन की जो रेंज है इसमें ये स्ट्रेट स्टीप कर्व नहीं मिल रहा है अपन लोगों को, लेकिन मिथाइल ऑरेंज की कलर चेंज की जो रेंज है 3 से 5 के बीच में, ठीक है, वो अपन लोगों को काम करेगा। तो इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज सुटेबल रहेगा इस केस में बेटा, ठीक है, सो ये आपका सी ऑप्शन और फिनोफ्थलीन और
मिथाइल ऑरेंज कहाँ भाई, मिथाइल ऑरेंज ये है, ठीक है, ओके, क्यू मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, सो मिथाइल ऑरेंज, सो आंसर क्या आएगा बेटा, ग्राफ में सी है और मिथाइल ऑरेंज सी और क्यू का ऑप्शन जो है अपन लोगों को डी मिल रहा है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो बेटा 58 नंबर की प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव द मोस्ट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो ऑब्वियस है अपन लोगों को पता है कि मोस्ट अल्कलाइन कौन बनाएगा, जो वीक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ, तो FeCl3 में तो यहाँ पे एसिडिक आयन जो है, ठीक है, जो एनायनिक रेडिकल है वो क्या है, HCl से मिलेगा अपन को स्ट्रॉन्गर एसिड से, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों लगभग लगभग वीक ही है, PbOH twice और ये CH3COH, ठीक है, तो ये भी अपन लोग चॉइस के तौर पर रख सकते हैं, बट इसको लेना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपन लोगों को दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन जो है वीक एसिड CH3COH और उसके साथ स्ट्रॉन्गर बेस KOH का कॉम्बिनेशन है बेटा, तो यही सबसे ज्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, तो फोर्थ आ गया इसका आंसर। 58 देखो, 58 एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोलर H2S एंड 0.2 मोलर HCl, ठीक है, ओके, इफ द डिसोल्यूशन कांस्टेंट K1 एंड K2 H2S के आपको दे रखे हैं बेटा रिस्पेक्टिवली, देन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, अब एक बात तो तय है यहां पे कि H2S का जो डिसोसिएशन है, ठीक है, जो H2S का वियोजन है बेटा, वियोजन स्थिरांक आपको दो दे रखे हैं, ठीक है, अगर अपन लोग H2S के वियोजन की HCl की प्रेजेंस में बात करें तो HCl की सांद्रता भी काफी ठीक ठाक दे रखी है 0.2 मोलर, तो अगर हम देखें तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, H2S का डिसोसिएशन जो होगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है, आपने जो भी कॉन्सेंट्रेशन इसकी ले रखी है तो सी नॉट माइनस सी नॉट अल्फा, ठीक है, टू सी नॉट अल्फा और ये कितना आएगा बेटा सी नॉट अल्फा, ठीक है, अच्छा, और HCl आपने लिया है तो HCl जो है H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, आपने HCl C1 लिया है तो ये बेटा C1 H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे और C1 Cl माइनस प्रोड्यूस होंगे, Cl माइनस को तो कोई लेना देना है नहीं है रिएक्शन से, ओके, H प्लस जो है H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे C1 आएगा, ठीक है, और C1 के रिस्पेक्ट में ये इग्नोर कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, तो H प्लस जो है मेनली कहां से, HCl से, अब देखो इस रिएक्शन के लिए अपन लोग जब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 के बराबर होगा बेटा, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई जो K होगा वो क्या होगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपॉन क्या आएगा बेटा H2S की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, समझ रहे हो बात को, अब यहां से जो है Ka आएगा, क्या आएगा, Ka आएगा इसमें देखो, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है HCl से, अगर हम देखें डेटा उठा के देखते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.2 मोलर, तो 0.2 मोलर का स्क्वायर करो, ठीक है, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपन को पता करनी है, ठीक है, अच्छा H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है अपन को, H2S की कॉन्सेंट्रेशन C नॉट 1 माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, C नॉट 1 माइनस अल्फा क्या होगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली C नॉट के ही बराबर होगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट सप्रेस हो जाएगा, तो अपन लोग इसको C नॉट ही ले लेंगे, दैट इज व्हाट 0.2, ठीक है, सो बचा क्या अपने पास, H2S की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.2 ले रखी थी, अब बचा अपने पास Ka, है ना, और सल्फाइड आयन कितना आ जाएगा भाई, सल्फाइड आयन आएगा यहाँ से, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा Ka1 Ka2 है ना अपॉन 0.2, ठीक है, Ka1 कितना है भाई 10 की पावर माइनस 7 और 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो देखो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, ठीक है, अपॉन 0.2, तो 0.2 से तो ये 6 टाइम्स क्या होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, क्या कोई आंसर आ रहा है देखें जरा, तो देखते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, ओके, ये आपका जो है लास्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, तो ये 59 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 60 नंबर की प्रॉब्लम देखो, ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स एन अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन व्हेन 100 ml ऑफ 1 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज एडेड, ठीक है, 100 ml ऑफ 1 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन को ऐड करा गया है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन था बेरियम आयन जिसमें मौजूद थे,
बेरियम इज जस्ट स्टार्टेड टू प्रेसिपिटेट, ठीक है भाई. द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml, ठीक है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बेरियम सल्फेट का दे रखा था, ठीक है. अच्छा जी, तो अपन लोगों को पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या है, ठीक है. तो आपको देखो बेटा विलयता गुणनफल ये सब दे रखा है इसका, ठीक है. किसी जलीय विलयन के अंदर अज्ञात सांद्रता में बेरियम आयन मौजूद है, ठीक है. उसमें अपन लोगों ने 1 मोलर सांद्रता का K2SO4 डाला, ठीक है. अब इसका जो है 100 ml डाला, ठीक है. बेरियम आयन, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है बेटा, बेरियम 2+ एंड सल्फेट आयन, ठीक है. बेरियम आयन पहले से ही मौजूद है, सल्फेट आयन आपने कहां से लिए, K2SO4 से, ठीक है. तो ऑब्वियस है KSP क्या होगा, KSP होगा बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनटू सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर. सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा, आपने 100 ml डाला किसका, K2SO4 का, आपने 100 ml डाला K2SO4 का, ठीक है. तो K2SO4 से, ठीक है, K2SO4 से ट्वाइस K++ सल्फेट आयन है, ठीक है. अगर अपन लोग देखें यहां पे कि K2SO4 से जो है 2K++ सल्फेट आयन मिला, ठीक है, तो जितना आपने कॉन्सेंट्रेशन K2SO4 का लिया होगा वही सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा. अब एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन में उसने डाला तो 100 ml, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, 500 ml, ठीक है. तो सल्फेट आयन की जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा वो कितनी होगी, आपने डाला है 1 मोलर K2SO4, तो 1 मोलर तो पहले कॉन्सेंट्रेशन थी इसके, 100 ml को आपने यूज करा है और टोटल वॉल्यूम हो गया 500, तो 1/5 सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, 1/5 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इस समय, ठीक है. तो बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, ये आपका 1/5 मोलर है, और KSP आपको कितना दे रखा है, KSP आपको दे रखा है कितना बड़ा, 1 × 10^10, ठीक है ना. तो ये आपका 10^-10 हो गया. तो बेरियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस समय है 5 × 10^10, ठीक है. अच्छा, ये 500 ml के सोल्यूशन में बेटा, ठीक है. अच्छा, तो बेरियम आयन अगर आपने K2SO4 डाला है 100 ml K2SO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो बेरियम आयन का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन रहा होगा, ठीक है, वो कितना रहा होगा, 400 ml, क्योंकि आपका टोटल वॉल्यूम हो चुका है 500 ml. तो बेरियम आयन, ठीक है, बेरियम आयन का जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन रहा होगा, ठीक है, उसके 400 ml आपने लिए, ठीक है, उसको आपने 500 ml में डाल, टोटल वॉल्यूम 500 ml हो गया, तब जाके इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है, फाइनल जो नई कॉन्सेंट्रेशन है 5 × 10^-10, ठीक है. तो यहां से बेरियम आयन की जो ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है उटा, वो कितनी हो गई, वो आएगी बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 25/4 × 10^-10, ठीक है, ये आ जाएगा 6.25 × 24 है ना, ओके, 6.25 × 10^10, जरा ऑप्शन देखते हैं कोई है क्या, 6.25 × 10^10 ऑप्शन नंबर 2, सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लीचेटली प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अपोजिट आयन इफेक्ट, ठीक है. अपोजिट आयन इफेक्ट क्या होता है और उस पर लीचेटली प्रिंसिपल लागू होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है बेटा, ठीक है. जैसे मान के चलो अपन लोग बात करें यहाँ पे, एसिटिक एसिड लिया अपन ने, एसिटिक एसिड इसका वियोजन हो रहा है CH3CO- और H+ में, ठीक है. अगर ये H+ सपोज करो इस सॉल्यूशन के अंदर हमने NH4OH या NaOH डाला, तो OH- इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा. तो लीचेटली प्रिंसिपल से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और हमें क्या चूज करना बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए अपन लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है. तो ए 3 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब थर्ड नहीं आंसर होना चाहिए. फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH फॉर कैटायन एंड एनायन आर टेंपरेचर डिपेंडेंट. तो कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, KW, KH, KA, ये सब टेंपरेचर डिपेंडेंट होते हैं बेटा, ये तो करेक्ट लिखा हुआ है. तो ये आंसर में अपन को चूज नहीं करना है बी को, ठीक है. तो आंसर में अपन लोग चूज करेंगे ए को, ठीक है. ए के साथ कौन आएगा, बी तो नहीं चूज करना है, ठीक है. तो ए के साथ अपन लोग बी दे ही रखा है, पहले दूसरे में और तीसरा लेना नहीं है अपन को, तो आंसर चौथा ही बचता है. लेकिन फिर भी सारे केसेस को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं.
सी देखो 0.1 मोलर सॉल्यूशन मोनोबेसिक एसिड का बेटा, एक क्षार की अम्ल एचए है, आपको 0.1 मोलर लिया है के जलीय विलयन में। पीएच की सांद्रता कितनी लेनी है अपन को, 2.5, सॉरी जलीय विलयन की पीएच जो है 2.5, तो के जिसका दे रखा 10^5, तो चेक कर लेते हैं कि वाकई ऐसा होगा क्या। पीएच का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होगा, हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग ऑफ सी नॉट, ठीक है। तो हाफ ऑफ पीके आपको 10^5 अगर के है तो पीके होगा 5 माइनस लॉग ऑफ 0.1, लॉग ऑफ 0.1 मतलब माइनस 1, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, तो ये पीएच आ गया आपका 3, समझ लो बात को, पीएच 3 हो गया। अच्छा जी, तो ये सी भी गलत हो गया, तो इसको आंसर में चूज करना है। देखो बेटा ए और सी अपन को मिल रहा है, डी और चेक कर लेते हैं। CH3CONa का जलीय विलयन क्षारकीय होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ऑब्वियस है ये अल्कलाइन ही होगा, ठीक है। तो मतलब अपन लोगों को चूज क्या करना है, ए और सी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे। बढ़ते हैं आगे 61 के बाद, 62 देखो, वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एनिलीनियम क्लोराइड। तो एनिलीनियम क्लोराइड जो है आपको पीके भी एनिलीन का दे रखा है बेटा, ठीक है। तो सॉल्ट अपन लोगों को एनिलीनियम, एनिलीनियम समझते हैं ना अपन लोग, पीएच एनएच 3 सीएल, क्लियर। एनिलीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के जो सॉल्ट बनेगा, क्लियर। ये सॉल्ट क्या है बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए अपन लोग पीएच का फॉर्मूला निकालना जानते हैं कि 7 माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस लॉग ऑफ सी नॉट आएगा, ठीक है। सी नॉट सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, PKB आपका कितना है 9, ओके, सो ये 9 हो गया प्लस लॉग ऑफ कितना बेटा, सांद्रता कितनी दे रखी है एनिलीनियम क्लोराइड की 0.1, तो लॉग 0.1 कितना होगा, लॉग 0.1 होगा माइनस 1, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो 8/2 इज 4, तो 7 माइनस 4, ओके, ये कितना आ जाएगा 3, ये आएगा 3, सो आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 63 नंबर की प्रॉब्लम। ये तो अपन लोग जानते हैं आइसोटोन क्या है बेटा, ए माइनस जेड निकाल दो, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, तो ऑब्वियस है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 44, 6 में से 4 2 गया 4 7 में से 3 44, तो 44 का डिफरेंस एक तो आर्सेनिक में आ रहा होगा, एक सेलेनियम में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ओनली 2 एंड 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 64 आ जाओ, विच ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल एमिट फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगा, 3 से 2 4 से 3 5 से 4, ओके। अगर हम देखें तो जस्ट सक्सेसिव ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम एनर्जी स्टेट्स की बात करें तो ये एनर्जी क्या होती है बेटा, क्लोज होती जा रही है, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, 6, तो ये एनर्जी गैप कम होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा गैप कौन सा है, 3 से 2 वाला, और जिसका गैप सबसे बड़ा है वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी गैप क्या हो रहे हैं, और छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 से 2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, आंसर 1 आएगा इसका, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे, ओके 65 देखो, वो कह रहे हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन सेम और कैन नॉट से एनीथिंग। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और डिवाइडेड बाय मास। अब मास जो होता है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसका रेस्ट मास तो m नॉट हो गया, तो 1 - v² / c² बड़ा, ठीक है। अगर आप v बढ़ाओगे तो v² / c² बढ़ेगा, और ये 1 - v² / c² का ओवरऑल टर्म घट जाएगा, और ये टर्म घटेगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और अगर m बढ़ेगा तो e/m क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो e/m घटेगा, सो आंसर आपका आ गया फर्स्ट, ठीक है। तो 65 हो गया फर्स्ट। 66 देखो, 66 में आपको क्या बोला जा रहा है कि गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स में अपन लोगों को बताना है, ठीक है, मतलब सत्य असत्य कथन को चुनना है अपन को।
वो कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान शून्य है तो इलेक्ट्रॉन आवश्यक रूप से s कक्षक में उपस्थित होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं बेटा, ठीक है, कि अगर आपका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो हो तो ml की वैल्यू तो जीरो, l की वैल्यू वन के लिए भी हो सकती है, l की वैल्यू टू के लिए भी हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना कि s जो है ऑर्बिटल में ही होना जरूरी है, मतलब आप देखोगे तो px py pz में भी हो सकता है ना वो, ठीक है, l की वैल्यू जो है ml की वैल्यू जीरो, आप pz के लिए भी तो ले सकते हो, ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो पहला आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, वो कह रहे हैं कि ये और जो ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, मतलब पॉली का अपवर्जन नियम का उल्लंघन हो रहा है, ओके, पॉली का अपवर्जन नियम का तो कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, अच्छा समझ रहे बात को, तो उल्लंघन तो नहीं हो रहा भाई पॉलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, सही बात है भाई, बोर मॉडल से ही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, तो अपन लोग उसको ट्रू बोलेंगे, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कोई दूसरे एटम्स की बात नहीं कर सकते अपन लोग, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात नहीं कर सकते, ठीक है, कि उनके स्पेक्ट्रा को हम बोर मॉडल से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो बेटा ऑर्बिटल चाहे डी का हो, पी का हो, एस का हो, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो एफ एफ टी एफ कौन सा ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन दे रखा दूसरा, ठीक है, एफ एफ टी एफ, ठीक है, चलो तो ये आपको आंसर मिल गया है 66 का, ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स 67 नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 67 में आपको बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हुए हमें बताना है, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको शुरुआत के चार में बताना है, 2, 1, 4, 3 में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जितने ज्यादा क्लोज आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम रहेगी और उतने ही ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में भरे हुए इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में भरे हुए इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियस है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेकेंड और फर्स्ट में थर्ड ऑर्बिट है और जो है थ्री और फोर में क्या बेटा फोर्थ ऑर्बिट है, क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट लिखी हुई है, 3s से एक इलेक्ट्रॉन आपने स्विच कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है क्योंकि ये 3s पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, तो ये सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे जो है और ये फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब आते हैं फोर और थ्री में, फोर और थ्री में देखो यहाँ पे जो है 4s1 3d5 ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बेटा ग्राउंड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन है, ये कोई एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि 3d5 4s1 का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए क्रोमियम ये कैरी करता है, ओके, और 4s2 3d5 3d4 का कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल होता है, ये ध्यान होगा अपन लोगों को, तो मतलब ये ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट है, ओके, अपन को इनकरेक्ट पता करना है तो आंसर इनकरेक्ट में बताना है, अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ 2s+1, ठीक है, ओके, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस वन कर दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है, अगर अपन लोग देखें तो शुरुआत के चार ही ले रखे हैं इन्होंने, तो फोर्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे ज्यादा 6 हैं, फिर उसके बाद 3, इसमें 4 हैं, ठीक है, अच्छा 3 और 1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन दोनों की बराबर रहेगी, और फिर उसके बाद आपका सेकंड का नंबर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। अब वो कह रहे हैं जो पांचवा ऑप्शन है डज नॉट वायलेट ऑल द 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बात सही है बेटा, ये देखो 4s पूरा भरा हुआ है, फिर उसके बाद आपने 4p को भरना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 4s भरा हुआ है, ठीक है, और 4p को आप भर रहे हैं, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ पे आप वो प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं, हालांकि इसमें 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 3d यहाँ पे भरा हुआ पूरा, ठीक है, अच्छा 4s को फोर्थ ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन्स को शो करा है ना, अच्छा हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और एक जो है अपोजिट स्पिन के साथ जो है पैरेलल स्पिन होना चाहिए था, मतलब पेयरिंग होनी चाहिए थी, ठीक है,
बट पेयरिंग चलो स्टार्ट करी है ना, तो आपाउ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है बट किस चीज को वॉलेट कर रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉलेट कर रहा है, तो बी डज नॉट वॉलेट ऑल द थ्री रूल्स, सारे रूल्स तो वॉलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ सिक्स रिप्रेजेंट्स ए एंड ए प्लस व्हेन केप्ट नियर अ मैग्नेट एक्स एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अगर सिक्स्थ को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए प्लस जो होगा बेटा इसमें से अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर इसको अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या ये प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, नहीं ये पैरामैग्नेटिक की तरह काम करेगा, क्लियर। सो ये आपका हो गया 67 नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पे, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। तो बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वही प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाए, मतलब कहने का ये हुआ एच अपॉन एम वी लगाएंगे बेटा तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू व्हाट मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ x मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो रफली 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपन को पता करना है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो कैंसिल आउट हो गई तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1840, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि x है। So answer क्या आएगा अपने पास, x upon 1840, clear? बढ़ते हैं आगे, 69 number की problem देखो, वो कह रहे हैं कि a naught is the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom, the de Broglie wavelength of electron revolving in second orbit will be, ठीक है। तो hydrogen का first orbit जो है उसका a naught है, तो de Broglie wavelength का अपन लोगों ने formula पीछे भी निकाला था इस तरीके का, ठीक है, क्या आता था बेटा 2pi a नॉट n by z, है ना। तो वो कह रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ उस इलेक्ट्रॉन की जो कि सेकंड बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, और हाइड्रोजन एटम कंसीडर करके चले अपन लोग, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z 1 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 पाई, n की वैल्यू 2 हो रही है ना सेकंड बोर ऑर्बिट, तो 4 पाई a नॉट, ओके। सो आंसर आ जाएगा आपका 4 पाई A नॉट, है ना। नाउ बढ़ते हैं आगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपन लोग जानते हैं बेटा, ये तो अपन लोगों का लर्निंग बेस था, ठीक है ना, याद होगा तो ही कर पाओगे। तो अपन लोगों का आंसर जो है डेल टू साई बाई डेल एक्स टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये आपका चेक करना था, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। Now, 71 नंबर की प्रॉब्लम पे आ जाओ, वो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 9 है, ठीक है, वो 1000 गुना बेसिक है, ठीक है ना, ज्यादा सारी है 1000 गुना किसी वास्तविक विलयन से, ठीक है, तो पीएच क्या होगी, तो ये अपन को देखना है, पीएच इज इक्वल टू क्या है बेटा 9, ओके। तो पीओएच कितना हो गया, पीओएच कितना आएगा 9, 5, 14, ठीक है ना, ओके, सो 14 हो गया। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे, POH कितना आ जाएगा, POH आएगा 5, POH कितना आ जाएगा, सॉरी POH की जरूरत है नहीं, ठीक है, ओके। अब ये जो OH माइनस है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो 1000 टाइम्स क्या है, ज्यादा एल्कलाइन है किसी दूसरे सॉल्यूशन से, ठीक है, 1000 टाइम्स OH माइनस इन एनी सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन नॉट मान लो, ठीक है, इनिशियल, तो OH माइनस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी बेटा 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 1000, मतलब 10 की पावर माइनस 8, है ना, तो POH आ गया आपका 8, तो PH कितना आ जाएगा 6, सो आंसर हो गया आपका 6, ठीक है।
चलो तो इस तरीके की आसान आसान प्रॉब्लम आती हैं एग्जाम में। अब देखो बेटा, अपन लोगों को बोला जा रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड के, आपको दे रखा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपको डबल करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दो गुना करना है, है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, कितना वाटर ऐड करें, तो अल्फा जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाई सी नॉट, ठीक है। अब अपन लोगों को बोला जा रहा है कि अल्फा टू जो होगा वो अल्फा वन से डबल होगा, ठीक है। तो अपन लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से क्या आएगा, के ए बाई सी टू, ठीक है, इज इक्वल टू 4, है ना। स्क्वायर कर दिया, अल्फा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4, अल्फा वन का स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, के ए बाई सी वन, है ना। तो मतलब के ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। आपको बोला जा रहा है कि जो सी टू होगा वो सी वन बाई फोर होगा, ओके। सी टू की कॉन्सेंट्रेशन सी वन बाई फोर होगी, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वी फाइनल वो 4 टाइम्स होगा बेटा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर 4 गुना कम करिए तो वॉल्यूम 4 गुना आपने बढ़ाया होगा, ठीक है। तो वी इनिशियल होगा, ठीक है। तो 4 इंटू वॉट, 300 ml शुरुआत में वॉल्यूम था, तो 1200 ml टोटल वॉल्यूम हो गया वी फाइनल, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड करा है, ठीक है, वाटर एडेड कितना रहा होगा बेटा, 1200 - 300, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 900 ml, क्लियर। सो आंसर आ जाएगा आपका 900 ml, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच सॉल्यूशन ऑफ 4 सोडियम सॉल्ट आपको दे रखे हैं, NaW, NaX, NaY, है ना। देखो अगर अपन लोग देखें तो पीएच सबका इसको छोड़ के 7 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ठीक है। और अपन लोगों को पता है कि पीएच इज इक्वल टू क्या है, ये तो भाई NaW तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, मतलब NaCl टाइप का है ना। अच्छा तो पीएच इज इक्वल टू बाकी के केस में क्या होगा बेटा, 7 + ½ ऑफ pKa प्लस लॉग ऑफ सी नॉट। अब लॉग ऑफ सी नॉट तो सबका सेम है, pKa का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका pH उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका pH हाई होगा, ठीक है, उसका pKa ज्यादा होगा, और जिसका pKa ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्लियर। तो अगर हम देखें यहां पे कि सबसे कमजोर एसिड कौन सा होगा बेटा, जिसका pH यहां पे सबसे ज्यादा आ रहा था, जैसे सॉल्ट के करस्पोंडिंग, मतलब 11 मतलब आपका NaZ के करस्पोंडिंग आ रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि HZ जो होगा सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, सो आंसर आपका 4th होगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, ऑब्वियस है बेटा सोडियम तो रिएक्शन करेगा नहीं, आयनिक फॉर्म में ही रहेगा ये, Na+ और OH- की भी नहीं होती है, कार्बोनेट आयन और वाटर के बीच रिएक्शन होगी क्योंकि यहां पे वीक एसिड जनरेट होगा, क्लियर। H2CO3 या बाइकार्बोनेट आयन, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो आपको बोला जा रहा है कि 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन है, जिसको अपन लोग 0.1 मोलर NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अम्ल की वो कह रहे हैं 1/5 और 4/5 उदासीनीकरण अवस्था पर pH मानों का अंतर क्या होगा। देखो तो HCOOH का जब आप उदासीनीकरण कर रहे हो किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा HCONa+ वाटर, ठीक है। अगर आपने जो है इसके इनिशियली A मोल ले रखे थे बेटा, तो जब 1/5 इसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो A में से कितना चला गया, A/5, ठीक है, तो ये कितना बना, A/5, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस फॉर्मिक एसिड, मतलब ये बफर सॉल्यूशन का केस बन गया ना, सॉल्ट मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद कंजुगेट बेस, ठीक है, या विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसको बोलेंगे अपन लोग क्या, बफर सॉल्यूशन। तो ये एसिडिक बफर का केस बन रहा है, ओके। तो T4/5 जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो A में से कितना हो गया, 4A/5, और यहां पे क्या आएगा, 4A/5, ओके। तो अगर अपन लोग देखें यहां पे कि भाई अपन लोग क्या लिखते हैं बेटा, pH 1, ठीक है, जब लिखेंगे, जब 1/5 न्यूट्रलाइजेशन हुआ अपन लोग लिखेंगे pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है, A/5, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है, वो है 4A/5, ठीक है।
तो यहां से आ जाएगा पी के ए प्लस सॉरी माइनस ऑफ लॉग फोर, ठीक है, ये पी एच वन आ जाएगा। पी एच टू देखो बेटा, यहां पे पी एच टू क्या आएगा, पी एच टू आ जाएगा पी के ए प्लस लॉग ऑफ फोर ए बाई फाइव अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये आ जाएगा आपका पी के ए प्लस लॉग ऑफ व्हाट फोर। अब वो कह रहे हैं कि अपन लोगों को क्या बताना है, अपन को बताना है पीएच का डिफरेंस। तो पीएच का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, पी डेल्टा ऑफ पीएच कितना आएगा, पीएच टू माइनस पीएच वन, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे तो पीके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आएगा लॉग फोर माइनस 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 लॉग फोर, मतलब लॉग फोर कितना हो जाएगा, टू लॉग फोर, ठीक है। तो टू लॉग फोर आपका आंसर होगा। सो आंसर क्या आ जा रहा है, देखो कौन सा है टू लॉग फोर का आंसर, ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर की प्रॉब्लम बेटा, आपको बोला जा रहा है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच को अपन को बढ़ाना है, किस सब्सटेंस को ऐड कर दें, ठीक है। तो अपन लोग देखें कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम लोग ऐड करा दें जो खुद एल्कलाइन कैरेक्टर शो करता हो तो वो पीएच बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कराने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको सप्रेस कर देगा CH3COH के आयनाइजेशन को, खुद ही एसिडिक सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। सिमिलरली NaHSO4 में भी क्या होगा बेटा, HSO4 से एक H प्लस अभी भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एसिडिक बनाएगा, K2CO3 आपका आंसर जाएगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद भी अल्कलाइन नेचर का होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। ओके 77 देखो, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी है किसका, AgCl का। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, NaCl ऐड करा रहे हो धीरे धीरे, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन को प्लॉट करा गया बेटा, ठीक है। तो अगर AgCl की बात करें तो AgCl अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या होगा, Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है, कि जो कंसंट्रेशन होगी वो Ksp के बराबर होगी बेटा, Ag प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन जब आपने NaCl इसमें डालना स्टार्ट करा है तो NaCl जब आप डालना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हो, है ना। और अगर क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, Ksp की वैल्यू तो बदलने वाली है नहीं है, ठीक है, तो Ag प्लस घटेगा। तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप ऐसे ले लो कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो अगर आप एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई घटेगा, मतलब कर्व कैसा आएगा, हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स वाला कर्व आएगा, ठीक है बेटा, के अपॉन एक्स वाला। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस के बीच में जो कर्व आएगा वो हाइपरबोलिक कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो आंसर आपका थर्ड आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर ओके 78 देखो कि भाई आपको दिए गए टाप पर डीटी और डीओ जो है सैद्धांतिक और प्रायोगिक वास्तव घनत्व है, तो वास्तव घनत्व के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, है ना, क्या होता है बेटा, इसको निकाले ही होगा अपन ने, A gives what n products, है ना। तो अगर अपन लोगों ने इसके A मोल लिए, है ना, A में से A अल्फा चला गया तो ये n A अल्फा बनता है, क्लियर। तो जो थियोरेटिकल वास्तव घनत्व होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल, क्योंकि वास्तव घनत्व और मोल्स का इनवर्स रिलेशन होता है। और जो डी ऑब्जर्व्ड होगा वो क्या होगा बेटा, टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, ए वन अपॉन ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, ठीक है। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे कि भाई डी थियोरेटिकल अपॉन डी ऑब्जर्व्ड जो आएगा वो आएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आएगा बेटा डी टी माइनस डी ओ अपॉन एन माइनस वन डी टी, ठीक है। सो ये आपका आंसर आएगा, देख लो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है, डी थियोरेटिकल, है ना, माइनस कुछ गड़बड़ कर दिया सॉरी, यहां पे डी ऑब्जर्व्ड आएगा, सेकेंड नहीं थर्ड, ओके माइनस वन जाएगा ना, तो आप एलसीएम लोगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 नंबर की प्रॉब्लम हो गई, चलो अब दो प्रॉब्लम और बची जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके
अब देखो इसमें क्या है, KSP अपन लोगों को दे रखा है, वो कह रहे हैं कौन से कॉम्बिनेशन से अपन लोगों को CaF2 जो है मिलेगा बेटा, उसका प्रेसिपिटेशन होगा, आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। तो अब देखो जब दोनों सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बदलेगी और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बदलेगी, ठीक है। अगर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, KSP या उससे ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। जरा चेक कर लेते हैं बेटा ए ऑप्शन के लिए, ए ऑप्शन के लिए अगर हम देखें तो कैल्शियम आयन 10 ml तो वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया तो कैल्शियम आयन की जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हाफ हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगी कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी आ जाएगी 1/2 × 10⁻⁴, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको क्या लिखेंगे, फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, ये भी हाफ हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम डबल हो चुका है, तो 1/2 मतलब ये 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 5 × 10⁵⁵ हो जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा 10⁻⁶। तो 5 × 10⁻⁶ इसका तो प्रेसिपिटेशन मतलब नहीं हो सकता, ठीक है, पहले ऑप्शन का प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन का प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। बी के केस में आ जाओ, बी के केस में अपन लोगों क्या है 10⁻⁵ है, ओके 10⁻⁵ मतलब आप इसको लिखोगे 5 × 10⁻⁶ कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, नई कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 2 × 10⁻² 10 ml है, 10 ml मतलब आप जो है इसको लिखोगे 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर, तो यहां से आ रहा है 5 × 10⁻⁩, 5 × 10⁻⁩, ओके। सो इसकी वैल्यू जो है केएसपी से बड़ी है बेटा, तो अपन लोग देखेंगे कि यहां पे बी करेक्ट है, मतलब बी में प्रेसिपिटेशन होगा, क्लियर। सो एक तो अपन लोगों का बी ऑप्शन हो गया, अच्छा ए में था नहीं तो ए और बी हटा दो, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, सेकंड ऑप्शन बी और सी वाला, क्लियर। आप चाहो तो सी को भी चेक कर लो, यहाँ पे 10⁻² है तो 10⁻² जब इसका आधा वॉल्यूम हो जाएगा बेटा तो ये आएगा 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ये आपका आधा हो जाएगा तो ये आएगा आपका 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी तो ये आ गया बेटा 5 × 10⁻³ और ये आ गया 25 × 10⁻⁸, 8 × 3 = 11 और ये आएगा आपका 25 × 10⁻¹ⁱ, ठीक है। सो ये आएगा 12.5 × 10⁻¹⁰ जो कि वैल्यू ज्यादा है, तो बी और सी एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपन को, क्लियर। सो आंसर इसका 2 होगा। चलो फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ओके क्वेश्चन नंबर 80 देखो। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम HgO + 4I - + H2O गिव्स व्हाट, HgIO 4 2- और 2OH-, क्लियर। व्हिच चेंजेस विल डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को अपन लोगों को घटाना है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करना। तो कैसे बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, अगर अपन लोग HI डालेंगे तो HI डालने से क्या होगा, एक तो ये एसिड है तो ये क्या करेगा OH- को सप्रेस करेगा तो इक्विलिब्रियम वैसे भी फॉरवर्ड आएगा बेटा, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे I- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा तो दोनों ही केस में क्या होगा, मतलब फॉरवर्ड ही आना है HI डालने से। एडिशन ऑफ HgO सॉलिड फेस में HgO तो इसका एक्टिव मास कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बेटा, जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो चेंज नहीं होने वाला। अगर KOH को अगर अपन लोग ऐड कराएंगे तो KOH अगर ऐड कराएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, OH- के एडिशन से OH- की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपने बढ़ाया है तो Q की वैल्यू घट जाएगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू घट जाएगी, ओके। तो इससे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, सॉरी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, OH- की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो ऐड करा रहे हो, ओके। तो Q की वैल्यू जब K इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाती है, QC की वैल्यू, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। सो आंसर इसका क्या आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। सो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा पेपर डिस्कशन हो गया है, ओके। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा बेटा, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड पेपर था आप लोगों का, क्लियर। और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, मैंने सारे टॉपिक्स लगभग कवर किए आप लोगों के, है ना। तो इस सॉल्यूशन को अच्छे से आप लोग थॉरली करो, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।